क्या? तू खाती रहेगी या लंच भी तैयार करेगी? Come on girls, lunch is ready. Thank you बाबा, बहुत भूख लगी थी. ए मोइने मालूम चलो बाबा ये पेट में चूहे दौड़ रहे हैं. लो बाबा लोग सब लोग खा लो. कमाल है तुम लोगों को भूख लगी थी. गिरी तुम लोगों को खा लिया. थोड़ा थोड़ी जगह खा लेंगे. धान धीत साधा धा तू ना कर मिलके बिछड़ गई. हमारे ग्रुप को एक चैरिटी शो में हिस्सा लेना है. वेरी गुड वेरी गुड. की आइटम क्या होगी? फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन. मगर हमें ड्रेस कौन देगा? मेरे ख्याल में तो सबको अपनी अपनी ड्रेस बनानी पड़ेगी. करेक्ट. इसका ये मतलब हुआ कि सीमा हिस्सा नहीं लेगी. क्यों नहीं लूंगी? तुम्हारी माँ यही कहेगी कि क्यों फजूल पैसे बिगाड़े. कमला तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था. सच ही तो कहा मैंने. अच्छा अच्छा, इस सिलसिले में हम कल शाम मिलेंगे. मिलना ना छोड़ा है, मिलते रहेंगे. सीमा? ओ सीमा, मेरी लैला किस मजनू के चक्कर में हो? मुझे ऐसे मजाक अच्छा नहीं लगता. अच्छा बाबा माफ कर दो, गलती हो गई. अब चलो, अभी ट्रेन छूटने का वक्त हो गया. तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ. प्लीज उठो ना. मैंने कहा ना मैं आती हूँ. तुम मरो यहीं. अरे मेरी चप्पल. कौन है तुम? मैं आपको क्या दिखाई देता हूँ? यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो आप कर रही हो. मगर ये तो लेडीज कंपार्टमेंट है. अभी जंजीर खींच दी. शौक से. लेकिन 50 रुपए का नुकसान आप ही का होगा. क्या मतलब? मतलब ये कि ये मर्दाना डिब्बा है. अब जब साथ ही सफर करना है तो आराम से बैठिए. पेपर पढ़िएगा. बड़ी भयानक खबर. क्या खबर है? लिखा है एक नौजवान ने चढ़ती हुई गाड़ी में चढ़कर अकेली सफर करती हुई लड़की के गले से नेकलेस खींच लिया. ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत है. क्या मतलब? मतलब अखबार में लिखा है, पढ़ लीजिए. लेकिन हुआ क्या? इसमें भी एक भयानक खबर है. अच्छा, तुम जानना चाहते हो? जी हाँ जी हाँ. इसमें लिखा है कि एक लड़की ट्रेन में अकेली सफर कर रही थी, उसके साथ एक लड़की ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की. अच्छा जी. फिर जानते हो उस लड़की ने क्या किया? क्या किया? क्या किया? चप्पल मार मार के उसका बुर्ता बना दिया. लेकिन कुछ लड़कियां तो चप्पल पहनती ही नहीं. आजकल की लड़कियां भी अजीब हैं, घर से भाग के चली आती हैं. ए मिस्टर, मैं घर से भाग के नहीं आई हूँ. तो माँ बाप ने धक्के देके घर से बाहर निकाल लिया होगा. ना माँ ने मुझे घर से निकाला है और ना मैं भाग के आई हूँ.
तो फिर ये चप्पल किस खुशी में नहीं पहनी आपने? मैं पिकनिक पर गई थी, वहाँ एक पहाड़ी कुत्ता मेरी चप्पल लेके भाग गया। हाय, ये पहाड़ी कुत्ते भी बड़े आशिक मिजाज मालूम होते हैं। और आप किस पहाड़ के रहने वाले हैं? जी जी, मैं पहाड़ का नहीं शहर का रहने वाला हूँ। काफी समझदार मालूम होते हैं। जी हाँ, आपसे मिलने के बाद। जरा ये ट्राई कर लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। नाराजगी छोड़िए, नंगे पांव घर कैसे जाएंगी आप? ये आप क्या कर रहे हैं? तो खुद पहन लीजिए, पहन लीजिए ना। ये तो बिल्कुल फिट है, आपको मेरे पांव का साइज कैसे मालूम हुआ? जो तो भेजना तो मेरा काम। लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो कोई बात नहीं, देखिए मैं अपना कार्ड दे देता हूँ, आप पैसे मनी ऑर्डर से भिजवा दीजिए। ठीक है? अच्छा, आप होटल में रहते हैं? जी हाँ, बम्बई में मकान मिलता ही कहाँ। अगर मैं आपको दिला दूँ तो? मैं जिंदगी भर आपका ऐसा नहीं भूलूंगा। चलो, हमने आपको मकान दिला दिया। सच? जी। तो ठीक है, इस चप्पल की कीमत आप पेश की समझिए। नहीं हरेरा, ये नहीं हो सकता। बुरी मालकिन, मैं बोलता हूँ तेरे को 2 लाख से ज्यादा कोई नहीं देगा। मुझे तेरे 2 लाख नहीं चाहिए, मुझे बिल्डिंग नहीं बेचनी है, नहीं बेचनी है, नहीं बेचनी है। आखिर ऐसी क्या बात है कि तेरे को नहीं बेचने की? देख हरेरा, अगर मैंने ये बिल्डिंग बेच दी तो मेरे गरीब किराएदार कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे बेचारे? वरी तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम अपना 2 लाख लो, मौज करो। हरिराम, वरी तुम गुस्सा मत, मैं जाता हूं, सोच लेना। इट्स ओके, यू कैन सेंड देम द चेक। बिहारी यार, रुपया कमाना तो कोई तुमसे सीखे, जिस सौदे में हाथ डालते हो फायदा ही फायदा है। भाई मैं दिमाग से काम लेता हूँ, इसलिए कामयाबी मेरे कदम चूमती है। एक और बड़ा सौदा कर रहा हूँ। अच्छा, जय श्री कृष्ण। लो सौदा आ गया। तो यार इस सौदे में मुझे भी पार्टनरशिप दे दो ना। अरे सेठ जी आप भी हैं, जय श्री कृष्ण। बैठो मामा। अरे फिर मामा बोला। अच्छा भाई बैठ बैठ हरिराम। ऐसा बोलो ना, क्या हुआ? अरे होना क्या था, ना कर दी। ना कर दी? क्या ऑफर दी थी तुमने? 2 लाख। बिहारी बाबू मैं बोलता हूँ, वरी ये सौदा भूल जाओ। बिहारी ये कौन सा सौदा है भाई? वही मालकन की चौल। अरे बाप रे बाप, भैया इस बिल्डिंग का मिलना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? मैं ऑफर दे चुका हूँ उसकी, मैं उसे लेकर छोड़ दूँ। अगर मुझे नहीं मिली तो तुम्हें भी नहीं मिल सकती। जरूर मिलेगी। हरिराम ऑफर बढ़ा दो, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख। अरे अरे, ये क्या कर रही हो सीमा? एक अच्छी साड़ी ढूंढ रही हूँ। तो ये क्या है? ये साड़ी है माँ। और क्या है? माँ ये 1857 में औरतें पहना करती थी, आज अगर मैं ये साड़ी पहन के जाऊंगी तो सहेलियां हंसेंगी नहीं मुझ पर और कहेंगी इतनी बड़ी बिल्डिंग के मालकिन की बेटी और ये साड़ी पहन के आई है। अच्छा अच्छा, तुझे साड़ी चाहिए ना, आ और दिला देती हूँ। हाँ, जैसे कि रेडियोग्राम लेके दिया था। देख सीमा, सुबह सुबह मुझे गुस्सा ना दिला, आ मेरे साथ। दस, 20, 30, 40, 50, 60। माँ तो तू क्या समझी इसमें से 600 रुपये निकलेंगे? सीमा एक काम कर माँ, ये 60 रुपये है ना, ये भी भीकू, मंगलू, चंगू, पंटू, पंटू इन सब के बच्चों को बांट दे, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसे बात ना किया कर मुझसे। तो फिर उस मंगलू से क्यों नहीं मांगती? साल भर से किराया नहीं दिया उसने। ठीक याद दिलाए तुमने, अभी जाती हूँ उस कमबख्त के पास। माफ कर दीजिए, इसलिए आप बता सकती हैं कि इस चाल की मालकिन कहाँ रहती है? मैं हूँ मालकिन। ओ आप हैं, बहुत ही अच्छी बात है, मुझे आप ही से काम है। क्या काम है जी? बात यह कि मैंने सुना है कि आपके चाल में कमरा खाली है। किससे सुना है? ऐसे वैसे ही। मैं ऐसे वैसे सुनने वालों को कमरा नहीं देती, समझे? सुनिए, देखिए मैं बहुत आस लेके आया हूँ, मुझे निराश ना कीजिए। किराया पेशगी दोगे? जरूर दूंगा। रहने दे रहने दे, बहुत शेखी मत दिखा। मैं तो देखना चाहती थी किराया पेशगी दे सकते हो या नहीं। दे सकता हूँ। आओ मेरे साथ।
मैं जरा मंगलों से मिल लूं। साल भर से किराया नहीं दिया, इन लोगों ने समझ क्या रखा है? मंगलो, मंगलो, मंगलो। नमस्ते मालकिन। नमस्ते, क्या कुछ याद भी है? हाँ मालकिन, याद है, गए हफ्ते भाड़ा देने का वादा किया था। अरे वादों से क्या पेट भरता है किसी का, वादे तो तू रोज करता है। मैं क्या कहूँ मालकिन, जहाँ काम के लिए जाता हूँ तो लोग वादों से मेरा पेट भर देते हैं। तुझे काम नहीं मिलेगा तो क्या तू मुझे किराया नहीं देगा? अरे वाह, मेरी बिल्डिंग को क्या धर्मशाला समझ रखा है तूने? आज तो मैं तुझसे किराया वसूल करके ही जाऊंगी, नहीं तो खड़े खड़े तेरा सामान बाहर फिकवा दूंगी। मंगलो, तूने मेरा गुस्सा नहीं देखा है? सुनिए, मुन्ना फिर बेहोश होगा। मुन्ना बेहोश हो गया, क्या हुआ मुन्ने को? अरे इसे तो बड़े जोर का बुखार है, कब से बीमार है ये? चार दिन से। चार दिन से? कोई दवा दारू की? नहीं। क्यों नहीं की? पैसे नहीं थे मालकिन। अरे पैसे नहीं थे तो क्या मैं मर गई थी? साल भर का तुम लोगों ने किराया नहीं दिया तो मैंने क्या तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? हा? क्या खाने को दिया इसे? गर्म पानी। गर्म पानी? अरे राम, अरे जरा ठहरो, मैं अभी आती हूँ। निकल पेश। कितना दो? जो है दे दे। ये ले, बच्चे का ठीक ठीक इलाज करना। हाँ मालकिन, तेरे जैसी दो चार देवियाँ और पैदा हो जाएं तो संसार का कल्याण हो जाए। रहने रहने, बहुत खुशामद करता है। और देख, किराए का कोई फिक्र मत करना। हाँ कमरा दे जा। आप तो किराया वसूल करने आई थी। हाँ आई थी, तुम्हें क्या? लेकिन लेकिन क्या, उस गरीब को घर से निकाल देती, उसके बीमार बच्चे को मरने देती। गरीब है लेकिन ईमानदार है, दे देगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ चलो कमरा देख लो। रोटी वाले, दूध वाले और रोटी वाले। क्या खूबसूरत आवाज है भाई, रसगुल्ला। और रोटी वाले, दरवाजा खोल। कौन है भाई? मैं हूँ मालकिन। मालकिन मर गया भाई। जय दूध वाले दाता, ऐसा लगता है तुम्हें किराया नहीं दिए। मुझे लगता है कि तुमने किराया नहीं दिया। क्या आप यहाँ भी किराया वसूल करने आई हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि क्या मुझे यहाँ भी पेशगी देनी पड़ेगी? अरे नहीं भाई, मैं तो तुम्हें कमरा दिखाने आई हूँ। और रोटी वाले, दरवाजा खोलो। हो खोल तो मालकिन। क्या कर रहे हो तुम लोग? कड़ी अटक गई थी मालकिन, कड़ी अटक गई। आ भाई। जयराम जी की मालकिन। जयराम जी की, जयराम जी की। ये है, देख लो अपना कमरा। कमरा? ये कमरा है? और तुम्हें क्या दिखाई देता है? लेकिन और ये दोनों? ये दोनों रहेंगे अपने अपने कमरे में, तुम्हें इससे क्या? अपने अपने कमरे में? लेकिन यहाँ कोई ऐसी दीवार नजर नहीं आती जिससे मालूम हो कि ये कमरे हैं। अच्छा, तो तुम यहाँ दीवार खड़ी करने आए हो? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि कोई तो ऐसा निशान हो जिससे मालूम हो कि ये कमरे हैं। अरे भाई, ये निशान नहीं तो और क्या है? ये लकीर देखो, ये है दूध वाले का कमरा। ये लकीर देखो, ये है रोटी वाले का कमरा, और इस लकीर के पीछे तुम्हारा कमरा। मालकिन, वो चौथा कमरा खाली है ना उधर? तो चुप रह, वहां भी कोई ना कोई आ जाएगा। क्या लकीर खींच देने से कमरे बन जाते हैं? अरे पगले, अगर लकीर खींचने से मुल्क बन सकते हैं तो क्या कमरे नहीं बन सकते? अरे भाई मुंह क्या देख रहे हो, नहीं चाहिए कमरा तो चलो अपने पैसे ले। नहीं नहीं, कमरा चाहिए, इसलिए तो आया था। तो फिर नखरे क्यों कर रहे हो? आइंदा नहीं करूंगा। नया नया है मालकिन, आदि हो जाएगा। मलिक दाता। बेटे, ये मेरी छोटी सी बिरादरी है, इसमें प्यार मोहब्बत से रहना, इसे तोड़ने की कोशिश मत कर। अच्छा मालकिन। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। मालकिन, हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र। बिल्कुल बेफिक्र। अच्छा अच्छा, मालिक। दादा,
कमरा खाली कर दो। कमरा खाली हो गया। बोल। मालिक दाता है तो हिंदुस्तानी मगर अंग्रेजी पतलून पहन के आया है। अंग्रेजा चले गए, निशानी छोड़ को गए। शराब दाता अंग्रेज का नाम सुनते ही अंग्रेजी में बोला। चुप। अब आ गया अपनी औकात पर। क्यों मालिक भैया इसका नाम धाम तो पूछ ले, कौन जात है, कहां से आया है, क्या काम करता है। दादा तुम्हें पूछो ना भाई। पड़ोसी तुम्हारा है भैया, तुम्हें ही पूछ ले। ऐसा जय मिस्टर, जय मिस्टर। ऐसा लगता है कि क्रिस्तान नहीं है। जय महाशय, जय श्रीमान। हिंदू भी नहीं है। मियां हजरत मुसलमान भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा भाई कौन सी जात का है ये। अरे भैया काय को अपना टेम खोटी करता है, अपनी जबान में पूछना। कौन सी जबान में बोलूं भाई। अपनी जबान में भाई, और कौन जबान में। ऐसा जय बड़े बदतमीज हैं आप लोग। हमें बदतमीज नहीं मियां, हमें इंसान नहीं। और मैंने कहा पड़ोसी हो, उम्र भर साथ रहना है, अगर आपस में जान पहचान हो जाए तो कौन बुराई है। जान पहचान आदमी की आदमी से होती है, जानवर से नहीं। दादा मालिक इन्हों जानवर हैं। मैं नहीं तुम। जय ऊपर कहां है तुम्हें, नीचे बैठो। मैं क्या नाम है तुम्हारा। राजन। हाँ फिर राजा भाई। अरे सुना नहीं तुमने, अंधेर नगरी चौपट राजा। आप लोग आखिर चाहते क्या है। वो हमें बाद में बताएंगे, पहले तुम ये बताओ तुम्हारा धंधा क्या। जूते बेचता हूँ। मोची क्या। मोची नहीं, नए जूते बेचता हूँ। तुम्हें नए बेचो के पुराने बेचो, जूता बेचने वाला मोची। और फिर इसमें बुराई क्या है। अब मैं राममूर्ति दूध बेचता हूँ तो लोग मुझे दूध वाला कहते हैं। ये चंदू रोटी बेचता है तो लोग इसे रोटी वाला बोलते हैं। तुम जूते बेचते हो तो तुम्हें मोची कहेंगे। मोची क्यों, जूते वाला क्यों नहीं। ये कोई नई बात नहीं है माँ, रोज रोज की बात है। सुन सुन कर तो कान भी पक गए हैं। तो क्या करती, मंगलों के जबान खींच लेती, उसके बीमार बच्चे को मरने देती। आखिर दया धर्म में तो कोई चीज है बेटी। सभी दया धर्म अपने ही रह गया है। बेटी की साड़ी के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मंगलू के बेटे की बीमारी के लिए फौरन पैसे निकल आते हैं। नाराज क्यों होती हो बेटी, एक नहीं चार चार साड़ियां ला दूंगी मेरी लाडली को। वो दिन तो इस जन्म में नहीं आएगा माँ। क्या है वेनी, नहीं चाहिए। कायको ने किए लेनी पड़ेगी। क्या कोई जबरदस्ती है। ए भाई झगड़ा करने का तो घर पे जाके करना। ओए होए कितना अच्छा लगता है मेरे को तेरा घर वाला। मेरा घर वाला क्या बकती है तू। ए भाई झगड़ा करने का तो उससे जाके करना, मेरे से क्या लड़ती है। अभी मजा चखाती हूँ। मिस्टर आपने ये बेनी मुझे क्यों भेजी। लाखों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम ज,
जी मैं ये चप्पल नीचे रखी है, ये चप्पल मैंने आपको पहनने के लिए दी थी, सर पे मारने के लिए नहीं। आप मेरे घर वाले कब से बन गए? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अगर कोई हकीकत को मजाक समझे तो इसमें मेरा क्या कसूर? फिर वही बात। जी हाँ, देखिए आप हमारी घरवाली हैं क्योंकि हम आपके घर में रहते हैं। मेरे घर में? हाँ, जी हाँ, आप मालकिन की बेटी हैं कि नहीं? हाँ। तो इस लिहाज से आप हमारी घरवाली हुई कि नहीं? आप हमारे बिल्डिंग में कब से रहने आए? आज से। बड़े शरीर हैं आप। नहीं ठीक है ठीक है, उठाइए चप्पल और मारिए मेरे सर पे, मारिए मारिए। सॉरी। अच्छा ये बताइए, आपको हमारा घर पसंद आया? घर यानी कि वो तबेला जहाँ दो दो जानवर रहते हैं। तो माँ ने आपको वही कमरा दिया जिसमें दूध वाला और रोटी वाला रहते हैं? ना जाने कौन कौन रहता है आपकी बिल्डिंग में। कोई दूध वाला है तो कोई रोटी वाला, कोई भाजी वाला है तो कोई घास वाला, कोई टांगे वाला है तो कोई रिक्शे वाला। हाँ, एक जूते वाले की कमी थी, आज वो भी पूरी हो गई। क्या मुसीबत है भाई? उजाड़ हो जाओ, नींद भी नहीं आती ना। रोटी वाला मालिक, ये बत्ती कब बुझेगी भाई, नींद नहीं आ रही। कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ भाई, लेकिन उजाड़ हो जाओ, माटी मिली नींद आती नहीं ना, क्या करूँ। काहे कौन कर रहा है? नहीं भाई, उनो दाता साफ कर रही। तो क्या सुबह हो गई? का सुबह कहा से होंगी हुई, अभी तो रात के 11 बज रही। तो ये रात के वक्त दांत काहे को साफ कर रहा है? उनके मुंह से बदबू आ रही होंगी, अंग्रेज के बच्चे ना उनो। तो का अंग्रेज लोग खाली रात को दांत साफ करते रहे? मैं रात को भी किया करता हूँ और सुबह भी। भैया दांत दतुअन से माजा जाता है, पर ही काहे से दांत साफ कर रहे हैं? मैं दांत ब्रश से सफा किया करता हूँ, ये देखिए ब्रश से। जय दूध वाले भाई, लोग ब्रश से जूता साफ करते हैं, इनो दांता साफ कर रहे। क्या हंगामा है भाई। अरे रोटी वाला मालिक, ब्रश से लोग दाढ़ी भी बनावत है, पर ये तो हम लोग समझते क्यों नहीं? आजकल के जमाने में अकलमंद लोग ब्रश से दांत साफ किया करते हैं। जय राजन भाई, ब्रश वरश तो समझे भाई, ये मुंह में साबुन का उतार ले भाई। रोटी वाले, इसे टूथपेस्ट कहते हैं। क्या कहा भैया? टूथपेस्ट। मालिक दाता, कहाँ फंस गया हूँ? ये बाबू की तो सब बतिये नहीं राली। फिर क्या करेंगे भाई? कुछ करे धरे के नहीं है भैया, सो जाओ। सो जाओ, जाओ। रोटी वाला, तेरी बत्तियां बुझा दे भैया। बुझाता हूँ भाई, सारे जहान का मातम मेरी मदर पे होता है, मैं बुझाऊ। मेरे कमरे में कदम रखा तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। अरे मैं कहता हूँ बुझाओ ना बत्ती। कैसे बुझाऊंगा भाई, ये मोची कमरे में नहीं घुसने दे रहा है। नाम मेरा राजन है। जय राजन ही सही, बटन उनके कमरे में है ना भाई। जय राजन भाई, बत्ती बुझा लो भाई। बत्ती नहीं बुझेगी। अरे कैसे नहीं बुझेगी, मुझे पढ़ना है तो हमने भी सोना है। तो तुम सो जाओ। अरे कैसे सोना भाई, बत्ती आंखियां में चुपती ना हमारे। तो मैं अंधेरे में पढ़ू? तुम्हें अंधेरे में पढ़ो या उजाले में पढ़ो, बत्ती बुझा लो। होता बत्ती नहीं बुझेगी। अरे बुझेगी, अरे बत्ती बुझेगी भाई। कैसे बुझेगी? मैं बताता हूँ, बटन तुम्हारे कमरे में, बत्ती हमारे कमरे में। अब तुम्हें हमारे कमरे में घुसेंगे तो मैं तुम्हारी टंगड़ियां तोड़ डालूंगा। अरे अब बोलो मियां,
कैसे जलाएंगे तुम्हें? ओ रोटी वाले बाबू, क्या है? जरा दो मिनट के लिए बत्ती जगा दो। बत्ती नहीं जलेंगी मियां। अरे भैया मेहरबानी करके बत्ती जगा दो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उजाले में बात करेंगे। बोलो, क्या कमरा छोड़कर जा रही? नहीं गुरुदेव, यहाँ हमेशा रहने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। अरे हाय हाय हाय, ये का कर रहे? मैं हारा, आप लोग जीते। अरे भैया तुम हारे नहीं, तुम जीत गए। जीत गए? हाँ, जीते का मजा जो हारे में है तो उन मजा जीते में नहीं है। जाए, अब तुम ना जितनी बत्तियां जलाने का है जला डालो, हमें कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं भैया, अब मुझे और बत्ती नहीं चाहिए। ठहरो भाई, आज से हमें तुम्हारे लिए भाई। अरे नहीं भैया, भैया आज से हम तीनों एक। क्यों मालिक? हाँ दाता। हरे राम 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 हरे हरे, गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम, जय जय काशी पावनाशी वरना पापहरना, जय बाबा विश्वनाथ की जय बाबा विश्वनाथ की, जय गंगे। भैया रात भर तो खुराटे मार मार के सोने नहीं दिया, अब तो सोने दो। हे साहेब बहादुर, इस सोने का समय नहीं है, स्नान करके भगवान का नाम लेने का समय है। तो भगवान का नाम चिल्ला कर क्यों लेते हो? आहिस्ता से नहीं ले सकते? कहा मैं रघु और केतु के बीच में फंस गया। रघुपति राघव राजा राम, पति तो पावन सीता राम। ओ रोटी वाले, क्या जाए? कुछ नहीं, रघुपति राघव राजा राम। जय राजन बाबू। क्या है? राजन बाबू हम लोग जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर लियो। अब देखो वहां टेबल पर दूध के गिलास धरा है, पी लेना। बगल में डबल रोटी भी रखो है, जब जी में आया डुबा को खा लो। पर खाए पिए से पहले भगवान का नाम जरूर ले लेना, नहीं तो हजम ना होगा। हाँ हम नहीं जाने। मालिक चल चलो दादा। राधा बहन, ए राधा बहन, अरे दूध का बर्तन कहाँ? नहीं अब मैं दूध नहीं लूंगी। दूध नहीं लूंगी क्यों? इसलिए कि 12 महीने से मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, अब भी उधार नहीं लूंगी। उधार कौन दे रहा है भाई तुम्हारे को? ये उधार नहीं तो और क्या है? अरे कहीं भाई बहन को उधार देता है तो क्या बहन का ये धर्म है कि जो भाई उसकी मदद करता है उस पर बोझ बन जाए? नहीं मैं नहीं। बहन ये लो, अब अंदर से जाको दूध का बर्तन लेकर लो। भाई लो, जाओ लो जाओ। जिनको मैं बेवकूफ समझता था वो तो इंसान के रूप में देवता निकले। देखो दूसरी वक्त ऐसा नहीं बोलना। हाँ? मालिक दादा चल चल। ले आई भी इसके सिवाय चारा ही और क्या है? लेकिन मैंने मना जो किया था। क्या करती? मैंने बहुत समझाया लेकिन वो भले लोग किसी तरह मानते ही ना थे। हाँ अब तो यही रह गया है, गले में डाले झोली और दर दर मांगे भी। कौन हो तुम? मैं राजन हूँ जी, आपका पड़ोसी। क्या काम है? मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। नमस्ते जी। कहो क्या बात है? जी बात यह है कि मुझे डर है कहीं सुनकर आपको दुख ना हो। दुख? मैंने अपनी जिंदगी में इतने दुख देखे हैं, क्या मुझे किसी बात का दुख नहीं होता? जी मेरा यह मतलब नहीं था, मैं कहना चाहता था कि मेरा यहाँ कोई नहीं है। तो मैं क्या करूँ? जी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर खाना मैं आप ही के यहाँ खा लिया करूँ तो। जो खुद भीख पे गुजर करता हो वो तुम्हें क्या खिलाएगा? जी मैं पैसे दूंगा खाने के। अगर पैसे ही देने हैं तो फिर होटल में क्यों नहीं खाते? होटल में तो देखिए
होटल में खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। देखिए मुझे निराश ना कीजिए, कहते हैं पड़ोसी भाई के समान होता है, इसे स्वीकार कर लीजिए। राधा ले लो पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। सुनो, खाना तुम्हें यहां आकर खाना पड़ेगा। मुझे मंजूर। सभी के घरों में रेडियोग्राम आ गया है और हमारे यहां यही सड़ा हुआ फोपू। अरे अरे अरे, ये सुबह सुबह तुझे क्या हो गया है बेटी? अपनी किस्मत को रो रही हूं। तेरी किस्मत को क्या हो गया? माँ मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, दुनिया है कि कहां पहुंच गई। बात क्या है बेटी? सभी के घरों में मॉडर्न फर्नीचर आ गया है, रेडियोग्राम आ गया है, एयर कंडीशनर आ गया है, मगर अपने यहाँ यही पुराना फर्नीचर। मगर तू चाहती क्या है? मेरी एक बात मानूंगी माँ? एक नहीं दस मानूंगी बेटी, मगर तू मुंह से तो बोल। तो फिर इस फर्नीचर को बेच डालो। फर्नीचर को बेच डालो? वरी फर्नीचर को बेचती हो नी, साथ में बिल्डिंग को भी बेच डालो नी। हरी राम। जय श्री कृष्ण। वरी अंदर आ सकता हूँ? फिर तो क्या लेने आया है? वरी लेने नहीं देने आया हूँ। 2 लाख बोल गया था ना, वरी 3 लाख ले लो। 3 लाख? हरी राम तेरी याददाश्त तो बड़ी अच्छी है। वरी उसी पर तो जिंदा हूँ। तो फिर तुझे ये भी याद होगा कि मैंने क्या कहा था? वरी तुमने तो कहा था ना कि नहीं बेचने को है। तो फिर क्या लेने आया है? आहिस्ता बोलो नी, मेरे को दिल का ट्रबल है। 3 लाख में 4 लाख ले लो। माँ मेरी माने तो 4 लाख में बेच दो। तो बिल्डिंग के मामले में मत बोला करती माँ। ये मार के 4 लाख नहीं 5 लाख ले। 5 लाख झाड़ू मारूंगी हरी राम। अरे 5 लाख झाड़ू क्यों मारती है? 5 लाख जूता मारने पर बिल्डिंग दे दे। यही है जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी, कि उनका नाम आया और गर्दन झुक गई है। क्यों? न बुथाने को जाते हैं न काबे में भटकते हैं, जहां वो पांव रखते हैं वहां हम सर पटकते हैं। शाम को मुलाकात होगी ना? डाली बाय। बॉस बहुत दिनों से डिनर नहीं हुआ। डार्लिंग जब लंच से ही काम हो जाता है तो फिर डिनर की क्या जरूरत? ओ बॉस लेट्स गो फॉर अ डांस टुनाइट। आई विल सी। जय श्री कृष्ण। तो बैठो सी। आओ मामा। अरे मामा क्या जन्म में? क्या खबर लाए? अरे जूते खा के आऊं भैरी बाबू, एक जूता तुम भी मारो, लो मारो। लेकिन हुआ क्या? अरे हुआ क्या, ये सौदा नहीं होने को, मैं हार गया। लेकिन बिहारी ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। अरे बिहारी बाबू मैं बोलता हूँ, या हार मान लो या मैं बिल्डिंग मिलने नामुमकिन। नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल। बिहारी जिस काम में हाथ डालता है उसे खत्म करके ही दम लेता है। बिहारी बाबू एक चांस है। क्या? अगर लड़की मान जाए ना तो कम बन सकता है। लड़की? किसकी लड़की? मालकिन की। ओ क्या उम्र है उसकी? वरी बिल्डिंग के मालकिन की। उल्लू लड़की की? 17 साल। गुलाब का गुल है गुल। हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा। ये क्या हो गया तुम्हें आज? गाना गा रहा हूँ। गाना? कैसे गाना? फर्स्ट क्लास पिक्चर का देगा, टिकट भी ला। बड़ी मुश्किल से टिकट मिले हैं वहाँ। कौन सी पिक्चर? हाथी मिटाई की छठी वाला। हाँ ये कैसा पिक्चर है? अरे बड़ी अच्छी पिक्चर है वहाँ, कलर पिक्चर है, सिनेमास्कोप में। मानो कौन काम कर रहे हैं? राज कपूर, राज कपूर, शमी कपूर, शशि कपूर। और दो कौन है? हाँ दिलीप कुमार देवानंद। अच्छा तुम चलोगी ना मेरे साथ? हाँ प्लीज। अब देखो सारी वाड़ी बदल लो, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। प्लीज राजन जरा देखो तो कौन है। ध्यान दो, देखो ना प्लीज प्लीज। कौन है? कौन है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कहिए आपको किससे मिलना है? मालकिन से। वो घर में नहीं। सुनिए तो आप तुम्हें आपसे बात हो जाएगी। मैं नहीं, मुझसे नहीं, मालकिन की बेटी है, आप उनसे मिल लीजिएगा। बैठिए। सीमा तुमसे कोई मिलने आया? मुझसे? कौन है? मुझे नहीं मालूम कौन है। अच्छा? आओ सीमा। सीमा ये है मुझे बिहारी है। मिस्टर बिहारी। सीमा जी गुड इवनिंग। कहिए क्या काम है? सुना है आपके यहाँ कोई कमरा खाली? हाँ है। मुझे एक कमरे की जरूरत है। आपको? जी हाँ। तो फिर कमरा मिलेगा ना? जी वो तो माँ ही दे सकती है। माँ? हाँ उनके पूछे बगैर मैं नहीं दे सकती।
आप न दें लेकिन दिखा तो सकती हैं। जी दिखा सकती हूँ। तो चलिए दिखाई दीजिए। आइए। वाह वाह वाह, क्या शानदार कमरा है। रोशन, हवादार, तीन तीन खिड़कियां, दो दो दरवाजे, वाह वाह वाह। देखिए अगर आपको कमरा नहीं लेना है तो ना ले, लेकिन मजाक ना करें। देखिए अगर आपको कमरा नहीं देना है तो ना दें, लेकिन मेरी बात को मजाक ना समझे। मुझे ये कमरा वाकई ही पसंद है। किराया क्या है इसका? किराया? इसका किराया 30-40 नहीं नहीं 50 रुपए होंगे। 50 रुपए? ज्यादा है। जी नहीं बहुत कम है। मैं अगर होता तो इस कमरे का किराया कम से कम 100 रुपए लेता, लेकिन आप 85 में मांग गई। बड़ी भोली हैं आप। जी मैं भोली नहीं हूँ, मुझे तो कुछ आप ही बेवकूफ दिखाई देते हैं। अब ये तो भगवान ही बता सकता है कि कौन बेवकूफ है। आप समझती हैं कि आपने 30 रुपए वाला कमरा 50 में दे दिया और मैं समझता हूँ कि मैंने 100 रुपए वाला कमरा 50 में ले लिया। बहरहाल इस सौदे में फायदा दोनों का रहा, मैंने ये कमरा ले लिया। लेकिन मैंने कहा ना कमरा तो माझी ही दे सकती है। एक बात पूछूं? पूछिए। आप नाराज तो नहीं होंगी? नाराज होने वाली बात नहीं होगी तो नहीं होंगी। ये आपकी सौतेली माँ है क्या? नहीं तो? तो फिर ये भी माँ जी कर सकती हैं, वो भी माँ जी कर सकती हैं, आप उनकी गैरहाजिरी में कुछ नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। चाहूँ तो ये बिल्डिंग भी बेच सकती हूँ। सब कुछ कर सकती हूँ, चाहूँ तो ये बिल्डिंग भी बेच सकती हूँ, लेकिन एक छोटी सी चाबी नहीं दे सकती। कौन कहता है कि नहीं दे सकती? तो फिर कहिए एडवांस क्या देना होगा। एडवांस? एडवांस कम से कम 3 महीने का। 150 रुपया? मेरे पास चेंज नहीं है, आप 4 महीने का रख लीजिए। लीजिए ना। थैंक यू। दैट्स ऑल राइट। नमस्ते श्री मालकिन। ये आपकी कार है? जी हाँ। बहुत खूबसूरत है। लेकिन आपकी कार से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। मेरी कार? मालकिन जी मेरे पास कोई कार नहीं है। क्या आपके पास कोई कार नहीं? छोड़िए ना, क्यों मजाक कर रही हैं आप? जी नहीं मैं सच कह रही हूँ। कमाल है, आप इतनी बड़ी बिल्डिंग की मालिक, अगर मेरे पास ऐसी एक बिल्डिंग होती तो आज 5 कार होती मेरे पास। आप 5 कारों की बात कर रहे हैं? यहाँ के किराएदार तो सालों तक किराया ही नहीं देते। आप फिक्र ना कीजिए, मुझे यहाँ आ जाने दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। कम से कम एक ऐसी कार तो आपको जरूर दिलवाऊंगा, और अगर चाहिए तो यही रख लीजिए। दीजिए ना। नो थैंक यू। अच्छा तो बाय बाय। डरा दिया मुझे। डराया नहीं, जगा दिया उस झूठे सपने से। काहे का सपना? उस मोटर वाले के ठाट का। तो फिर क्या हुआ? चिढ़ती क्यों हो, ऐसे घुल मिलकर बातें कर रही थी जैसे 100 साल से जानती हो उसे। तो तुम क्यों जलते हो? मैं क्यों जलूं, जले मेरी जूती। तो फिर ऐसी बातें क्यों करते हो? और फिर मुझे ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं राजन बाबू। ओ तो हमें भी सच कहने की आदत है सीमा देवी। सीमा देवी? ये मैं सीमा देवी कब से बन गई? जब से मैं राजन बाबू बन गया। ओ राजन आज मैं बहुत खुश हूँ। उस मोटर वाले से मिलकर? ये जानकर कि तुम मुझे किसी के साथ देखकर चलते हो। आते हो सताने को, जाते हो रुलाने को, इस आने को क्या कहिए, इस जाने को क्या कहिए, अभी न फेरो नजर जिंदगी सवार तो ले के
दिल के शीशे में हम आपको उतार तो लें, अभी न फेरो नजर। जगा लेने दो करीब आके जरा किस्मत जगा लेने दो, चमकते रुख से कोई जलवा चुरा लेने दो, कि हम भी प्यार के दिन झूम के गुजार तो लें, दिल के शीशे में हम आपको उतार तो लें, अभी न फेरो नजर। बहारों से हम गुलस्तान निखार तो लें, दिल के शीशे में हम आपको उतार तो लें, अभी न फेरो नजर। लिए बैठे हैं तेरे दीवाने तेरी उल्फत लिए बैठे हैं, तरसते दिल में यही हसरत लिए बैठे हैं, के अपना कहे के कभी आपको पुकार तो लें, दिल के शीश में हम आपको उतार तो लें, अभी न फेरो नजर। जिंदगी सवार तो लें, अभी न फेरो नजर। चलो चलो जल्दी चलो, मुर्दों की तरह चलते। माली दाता ये किसका सामान, घंटा भर से देख रहा है खत्म नहीं होता। होएगा किसी साइज का है? तो मेरा मतलब किसी रईस का भाई, तुम्हें चुपचाप खड़ो तमाशा देखो ना भाई। दाता क्या जीने के लिए इतने सामान की जरूरत पड़ती क्या? अरे नहीं भाई, जीने के लिए तो एक रोटी और एक लंगोटी और एक नाम भगवान। क्या बात बोले अपने, बाकी जिनको जीना नहीं आता उनके लिए तो दोनों जहान का सामान भी कम है। सच बोल रही? अबे बिल्कुल सच बोल रही भाई। मालिक दादा ये क्या है? ये गैस है। घास? क्या अमीर लोग घास खाते हैं? घास नहीं भाई, अमीर लोग गैस खाते हैं। चल बड़ी जहरीली गैस फेंका है। सरकार अगर ये सामान आपका है तो आप क्यों नहीं ले जाते? मैं बोला ना भाई, इन्हों बहुत बड़े सही मेरा मतलब रईस है, इसलिए मजदूर लगा को रखे।
देखिए अगर आपको तकलीफ न हो तो थोड़ा सामान हम लोग पहुँचा दें। शुक्रिया। अगर सामान नहीं तो हुजूर को ऊपर पहुँचा दें। तुम इससे बात करो साहेब, अगर तमीजे का ख्याल रहा तो किसी बड़े बंगले में जाना था, हम फटीचर लोगों में आने की कौन जरूरत। बकवास बंद करो। बोला मुर्दा बोला, कफन फाड़ को बोला भाई। देखो नमस्ते मालकिन। नमस्ते। क्या बात है, तीन दिन हुए तूने टांगा नहीं निकाला, बोलता क्यों नहीं? मालकिन मेरा टांगा बिकवा दे। टांगा बिकवा दो और खाएगा क्या? रिक्शा चलाऊंगा। रिक्शा चलाएगा, खून की उल्टियां आएंगी। आने दे, लेकिन बच्चों का पेट तो भरेगा। तो क्या टांगा चलाने से बच्चों का पेट नहीं भरता? भरता था, लेकिन अब नहीं भरेगा मालकिन। मेरा घोड़ा मर गया। कब कैसे? परसों मोटर से टकरा कर। तो क्या मोटर वाले ने हर्जाना नहीं दिया? मालकिन जब गरीब अमीर से टकराता है तो हमेशा कसूर गरीब का होता है। तू तो ऐसी बातें करता है जैसे भगवान है या नहीं। मालकिन भगवान अमीरों का ही होता है, गरीबों का नहीं। चुप रह, फिर कभी ऐसी बात की तो बिल्डिंग से निकाल दूंगी। हाँ दूध वाले। मालकिन ये सामान किसका है? कोई नया किराएदार आया। नया किराएदार? मैंने तो किसी को कमरा नहीं दिया। तो छोटी मालकिन ने दिया होगा। सीमा, मां मैं यहाँ हूँ। सीमा तुमने कोई कमरा किराए पर दिया है? हाँ माँ, मुझसे पूछे बिना। तो क्या मेरा कोई हक नहीं? ये बात नहीं बेटी, मगर कौन है वो? बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है माँ, वो बहुत अमीर है और शरीफ भी। शरीफ भी? इतनी जल्दी पहचान गए तो उसकी शराफत को। हाँ माँ, वो 30 रुपए वाले कमरे का 50 रुपए किराया दे रहा है। बेटी सिर्फ रुपए से शराफत की पहचान नहीं होती, मुझसे पूछे बिना कमरा किराए पर नहीं देना चाहिए था। अच्छा माँ गलती हो गई, माफ कर दे। ये 200 रुपए एडवांस भी दे गया है वो। माँ मैं इसकी एक साड़ी ले लूँ? माँ देखो देखो ले। अरे लेना, वो क्या देखता है, जा घोड़े के लिए बयाना दे दे। माँ की। अरे मेरे क्या चरण छूता है, भगवान के चरण छू। कहता है भगवान है ही नहीं। कौन है आप? जी मैं नया किराएदार हूँ, आप ही मालकन है ना? क्या काम? मुझे सीमा से मिलना है। सीमा से? जी। हेलो बिहारी बाबू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माँ, ये वही बिहारी बाबू हैं। आइए बैठिए ना। जी नहीं, मुझे जरा जल्दी। कहिए कैसे आना हुआ? जी बात यह है कि कल रात को मैं एक पार्टी दे रहा हूँ। पार्टी? किस खुशी में? हाउस वार्मिंग पार्टी। ओह मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप तशरीफ लाएंगे। जी माँ आप भी? मैं तो नहीं आ सकूंगी, इसे आना होगा तो आ जाएगी। तो आप जरूर आएंगी ना? जरूर, डेफिनेटली। राजन बाबू को भी साथ ले आइएगा। आप ही उन्हें क्यों नहीं कह देते? मैं गया था लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थे। खैर फिर भी मैं उनसे कह दूंगा, लेकिन आप याद करवा दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। समझ में नहीं आता ये आदमी हमारे बिल्डिंग में रहने क्यों आया। कौन है? कौन है? मैं सीमा। ओ क्या बात है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? क्यों, कहाँ जाना? बिहारी की हाउस वार्मिंग पार्टी में। बिहारी की हाउस वार्मिंग पार्टी में? लेकिन उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझसे तो कहा था। तुमसे? तुम क्या लगती हो उसकी बताओ? सेक्रेटरी। अच्छा सीमा एक काम करो। क्या? मुझे भी नौकरी वहीं दिलवा दो। तुम क्या करोगे वहां? तुम्हारे साथ तो रहा करूंगा। देख लगे नहीं चलने। चलो ना सीमा, तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ जन्नू में भी चला जाऊंगा, लेकिन बिन बुलाए तो मैं खुदा के यहां भी नहीं जाऊं। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं उनसे जाके कहती हूँ। सीमा राजन बाबू यहाँ आओ भाई।
हाँ कहा जा रही, बगल में बैठो ना। क्या है? सुनो सीमा बेटी, क्या की पार्टी वार्टी बोल रहे थे ना क्या? वो बिहारी बाबू हाउस वार्मिंग पार्टी दे रहे हैं, उन्हें भिखारी किया। वार्मिंग? वार्मिंग क्या भाई? वो हाउस वार्मिंग घर को गर्म करने की पार्टी है। घर को गर्म करने की? अरे का हिंदुस्तान में कमती गर्मी पड़ती है कि घर को वो गर्म कर रहे हैं? भाई ये अंग्रेजों की रस्म है, जब वो नया घर लेते हैं तो उसे गर्म करते हैं। लेकिन राजन बाबू आप एक बात मुझे समझा दो, ये ठंडे मुल्का वाले अपने घर को गर्म करते हैं मैं समझ गा, लेकिन ये गर्म मुल्का वाले अपने घर को गर्म करेंगे तो ये दीवारों पिघल को मोम नहीं बन जाएंगे? ये बात हमारी समझ के बाहर है भाई। भाई कुछ लोग अंग्रेजों की अंधी नकल करते हैं। वो तो ठीक है राजन भैया, पर बिहारी बाबू पार्टी कर क्यों रहे? क्योंकि वो अमीर है। ऐसा क्या? उन्होंने अमीर है इसलिए तो पार्टी कर रहे हैं। ए मालिक, अगर समझो कि समझने के लिए हम लोग भी एक पार्टी दे दे तो? किस लिए? आपे समझे नहीं। अरे भाई उन्हों घर को गर्म करते ही ना, हमें ठंडा कर देंगे होता। अरे क्या बात है रोटी वाला मालिक, वाह वाह वाह। नहीं 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 नहीं, क्या कर रही तुम? नहीं जाएंगे ना, अच्छा नहीं लगता। आप लोग यहाँ क्यों आए? हवा खाने। यहाँ की हवा बहुत अच्छी है, क्यों मालिक? कहा था तुम्हें क्या बात बोल रही, यहाँ की हवा भी अच्छी है, नजारे भी अच्छे हैं। आप लोग चले जाइए यहाँ से। क्यों? इसलिए कि यहाँ मेरी पार्टी हो रही है। तो हम भी पार्टी करने आए हैं, ये कैसे हो सकता है? जाए भिखारी बाबू, माफ करना भाई, बिहारी बाबू तुम्हें तुम्हारी पार्टी करो, हमें हमारी पार्टी कर दो। हमें क्या तुम्हारी पार्टी को अटका दू क्या? लेकिन मैं पहले छत पर आया था। बाबू छत न तुम्हारी है न हमारी, वो है मालिक मकान की। जैसा किराया तुम्हें देते हैं वैसा किराया हमें देते हैं। वाह वाह क्या बात कही है। लेकिन एक छत पर दो पार्टियां कैसे हो सकती है? हम बताएं कैसे हो सकता है? बताओ मालिक। दाता बता दो इन्हें। बताऊं? बताता हूं अभी बताता हूं। जगह खत्म हो गई क्या? जय भिखारी बाबू। बिहारी बाबू ये क्या है मालूम? क्या है? ये युद्ध विराम रेखा है, जलती हुई लाइन। तुम्हें इधर आए तो जल को मरेंगे, हमें उधर आए तो सड़ को मरेंगे। उतार मालिक। दाता अब चलो। चलो एक एक कसर तोड़वा दूंगा। गुस्से से मत देखो हमको, करो ना खेलाल। बड़े बड़ों की हमने बाबू अरे कर दी सीधी चाल। क्यों कैसी कही? शायद तुम लोग जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम जो हो सो हो लेकिन खुदा तो नहीं, तुम जो हो सो हो लेकिन खुदा तो नहीं। अजी हम भी हैं इंसान तुमसे जुदा तो नहीं, अजी हम भी हैं इंसान तुमसे जुदा तो नहीं। तुम जो हो सो हो लेकिन खुदा तो नहीं, अजी हम भी हैं इंसान तुमसे जुदा तो नहीं। दिल तो असली सोना है ढूंढो ना बाजार में, भाई दिल तो असली सोना है ढूंढो ना बाजार में। माल अगर ये लेना हो तो उसको तोलो प्यार में, के खोटा धंधा हमने किया तो नहीं, अमा हम भी है इंसान
तुमसे जुदा तो नहीं, तुम जो हो सो हो लेकिन खुदा तो नहीं, अजी हम भी हैं इंसान तुमसे जुदा तो नहीं। दौलत जी है सूरत जी, ठाठ बड़ा है आपका, दौलत भी है सूरत भी, ठाठ बड़ा है आपका, फिर भी हक इस दुनिया पे तो नहीं किसी के बाप का, ऊपर वाले से कोई बड़ा तो नहीं, अरे हम भी हैं इंसान तुमसे जुदा तो नहीं, तुम जो हो सो हो लेकिन खुदा तो नहीं, अजी हम भी हैं इंसान तुमसे जुदा तो नहीं। पैसे के चक्कर में रहते हो हैरान से, तुम पैसे के चक्कर में रहते हो हैरान से, खाक पाओ हम चाय पिए फिर सोए चादर तान के, जो हमको मिला है तुमको मिला तो नहीं, अजी हम भी हैं इंसान तुमसे जुदा तो नहीं, तुम जो हो सो हो लेकिन खुदा तो नहीं, अजी हम भी हैं इंसान तुमसे जुदा तो नहीं। हद कोई मिलता है हम भी मिलते प्यार से, हद कोई मिलता है हम भी मिलते प्यार से, कोई जरा भी अकड़े तो हम कल देखो कर मार के, बोलो कुछ इसमें अपनी खता तो नहीं, अरे हम भी हैं इंसान तुमसे जुदा तो नहीं, तुम जो हो सो हो लेकिन खुदा तो नहीं, अजी हम भी हैं इंसान तुमसे जुदा तो नहीं। मालिक दाता, तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? खड्डे में से मैं भी वही देख रहा हूँ भाई, जो पहले कभी नहीं देखा। ये एक रात का असर है भैया, अगर 10 रात ऐसी गुजर गई तो एक दिन जाल के नीचे मालकिन भी कमर हिला लेके मिलेंगी। इसका इलाज क्या होगा? इलाज क्या करेंगे भाई, मेरा तो जी चाहता है कि उस बिहारी की आंख निकालूं। नको नको, भिखारी बाबू बेचारे अंधे हो जाएंगे तो देखेंगे क्या, हमें लोग उनका मुंह काला करके उनको दिखाएंगे शीशा। नहीं भैया, ये भी कुछ जमा नहीं। जमा फिर चलो बैठ के जमा। रोटी वाले मालिक, दूध वाले दाता, कहीं और चक्कर सोचो। क्यों? यहां बड़ी बदबू आ रही है। क्या बदबू? बदबू बदबू। वाह बदबू मिल गया भाई। क्या मिल गया? रास्ता मिल गया भाई। मगर कौन सा रास्ता मिल गया, जरा खरीब आओ। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्या ऐसा नहीं, नहीं। क्या तुम्हें? अरे डरता कौन है, फिर चलो ना मेरे साथ, परमात्मा कचरे को सलामत रखे। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए, वो आए घर पे हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। कहाँ हैं आप? आपने तो इस कमरे का नक्शा ही बदल डाला। अगर हुक्म दो तो सारी बिल्डिंग का नक्शा बदल डालूं। मेरे हुक्म से क्या होगा, हुक्म तो माजी का ही चलता है। इजाजत दो तो उन्हें भी मना लूं। ये मुश्किल है, बिहारी के लिए जिंदगी में कोई काम मुश्किल नहीं है। आप मेरी माँ को नहीं जानते,
वो अपने उसूल पर हिमालय की तरह रहते हैं। और मैं भी हिमालय की चोटी पर पहुंचना जानता हूं, लेकिन मैं किसी के असूल तोड़ना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ आपको खुश देखना चाहता हूं। वो दिन तो इस जन्म में नहीं आएगा। अब देखिए ना, रात को आपकी अच्छी भली पार्टी। और ऐसे लोगों से और तो आपको भी क्या की जा सकती है। बेचारे जाहल, अनपढ़, न तहजीब समझे न मॉडर्न लाइफ। इसलिए तो कहती हूँ कि आप मुझे माफ कर दें। अरे रे रे, आप क्यों माफी मांग रही? और सच पूछिए तो आपकी वजह से मैंने इन लोगों को दिल से माफ कर दिया। मुझे आपके फिराक के लिए बहुत पसंद आई। हम तो आपकी पसंद को तब ठीक जाने जो आज रात का खाना भी आप हमारे साथ खाएं। ये नहीं हो सकता। क्यों? कल भी आपके साथ खाए और आज भी? जी नहीं, आज रात का खाना आप हमारे यहाँ खाइए। माँ जी बहुत अच्छा पकाती हैं। वाह वाह वाह, फिर तो क्या बात है। माँ जी का पकाना और आपका परोसना, बखुदा हम तो उंगलियां ही खा जाएंगे। तो फिर आप आएंगे ना? आप बुलाएं और हम ना आएं। थैंक यू। कहो कैसे आना हुआ? यूं ही, आज रात को तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। तो फिर आज रात का खाना हमारे यहाँ। क्यों, कोई खास बात है क्या? नहीं तो, मैंने बिहारी बाबू को बुलाया था तो मैंने सोचा। अच्छा अच्छा, तो शर्मा शर्मी मुझे भी बुला रही हो? फिर वही बात राजन, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? शायद तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। और तुम समझते हो मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अरे तुम्हारे लिए तो मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आया हूँ। तो आओगे ना? जरूर आऊंगा। राजन बाबू जी, आप भी मालकन के यहाँ खाना खाने जा रहे हैं? जी हाँ। तो चलिए इकट्ठे चले। इकट्ठे क्यों? मुझे अकेले जाते हुए शर्म आती है। शर्म और आप? खैर चलिए। अब मजा आएगा। मजा क्या आएगा भाई, चीखेगा चिल्लाएगा। किस उल्लू के पट्टे ने फेंका है कचरा मेरी गाड़ी पर? हिम्मत है तो सामने आओ, एक एक अक्षर तोड़वा दूंगा। उल्लू के पट्टे मालिक। दाता, ये कौन चिल्ला रहा है? किसी ने पागल को पत्थर मारा? नहीं भाई, किसी पागल कुत्ते ने काटा रहेगा। ऊपर से क्या बकवास करते हो, हिम्मत है तो सामने आओ। चाहे भोगते क्या है, नीचे आ रही हमें। चलो दाता। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि कचरा इन्होंने ही फेंका? मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उस दिन भी तो इन्हीं बदमाशों ने मुझ पर फिक्रे कसे थे। जाए कोट पतलून, तुम्हें जबान संभाल के बात करो वरना तुम्हारे दांत बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये गंदगी इनकी गाड़ी पर किसने फेंकी? गंदगी? गंदगी खाने वाले को गंदगी नहीं मिलेंगी तो क्या हलवा मिलेगा? सुन लिया आपने, आइंदा किसी ने ऐसी हरकत की तो एक कचरा तोड़वा दूंगा। क्या बात है बिहारी बाबू? देखिए ना, किसी ने मेरी गाड़ी पर कचरा डाल दिया। किसने फेंका ये कचरा? मालकिन, मालूम होता है किसी व्यक्ति ने साहब की गाड़ी को कचरे की गाड़ी समझकर सारा कचरा उसी पर फेंक दिया है। क्यों मालिक? दादा बड़ी बदबू आ रही है भाई, दो चार भंगियों को बुला के ये कचरे का डब्बा भी डब्बे वाला दोनों को निकाल डालो। बंद करो ये बकवास, मैं पूछ दूं किसने की ऐसी हरकत, किसने ऐसे किया, बोलते क्यों नहीं? ठीक है मत बोलो, मगर याद रखो आज से जो बिहारी बाबू का दुश्मन वो मेरा भी दुश्मन। नहीं नहीं, सीमा का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि इस बिल्डिंग में ऐसा कभी नहीं हुआ, बुरी बात है। और याद रखो फिर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी नहीं होगा। हाँ। कभी नहीं, कभी नहीं। चलो खाना। हाँ जी मालकिन, कभी हमें भी खाने पर बुलाओ। ये तुम्हारा अपना घर है, आओ चलो। जाओ, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ रहा है क्या? क्या खाने जा रहे हैं? खाना वो उबला हुआ, चलो तुमको तुवर की दाल खिलाता, चलो खाना खा रहे। राधा तुम अभी तक जाग रही हो? आपको बुखार जो है, जा तुम भी सो जाओ। राधा मैं कैसे सो जाऊं, राजन बाबू अभी तक नहीं आए। नहीं आए तो क्या तुम रात भर उसके लिए जागती रहोगी? हाँ, जिसके सहारे हमें दो वक्त की रोटी मिलती है
का इंतजार तो करना चाहिए ना। तुम राजन बाबू का इस तरह इंतजार कर रही हो जैसा किसी जमाने। ये क्या कह रहे हैं आप? दरवाजा बंद कर दो राधा, दरवाजा बंद कर दो। लेकिन मैं कहता हूँ दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद। खाना काफी लगी समझ राधा। हाँ बहुत ही अच्छा है राधा। अच्छा गुड नाइट। राधा मुझे माफ कर दो, मैं ये बताना भूल गया कि आज रात मेरा खाना बाहर था। कोई बात नहीं। तुमने खाना खा लिया? नहीं तो आपके बगैर मैं कैसे खा सकती हूँ। और मुरारी भैया? वो तो बीमार पड़े हैं। बीमार? भैया को तो बहुत बुखार है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे क्या मालूम तुम कहाँ थे। अच्छा घबराओ नहीं, मैं जल्दी से दवा लेके आता हूँ। मिस्टर राजन। बिहारी बाबू अभी तक यहाँ? एक बड़ी उलझन में पड़ गया हूँ। कैसी उलझन? तुम चाहो तो सुलझा सकते हो। मैं? आप आए हुए यहाँ कितने दिन हुए? यही कुछ 6-8 महीने। कमाल है, 6-8 महीने में इतना जादू कर दिया। जादू कैसा? उधर सीमा देवी आपकी सेवा में हाजिर हैं और इधर राधा देवी आपके लिए आंखें बिछाए हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो आप भी चाहते हैं कि आपकी कुछ सेवा की जाए? आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी तो मैं जल्दी में हूँ, खैर फिलहाल नमूने के लिए यही। मरगा भिखारी। मालिक कहाँ था? तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? नहीं भाई, मेरी तो आंखियां बंद थी लेकिन आवाज था बड़ा कड़ाकेदार, ऐसा लगा जैसे आइटम बम फटा। क्यों नहीं, जूते वाले का हाथ है भैया, डबल सोल से कम क्या रहा होगा। लेकिन मालिक हाथ उधर पड़ा, कल्ला मेरा फूक गया ना। हो या जल्दी से हल्दी चूना लगा लेना, नहीं तो टीस उठेगी। टीस? क्या उठेंगी? टीस। सुन लिए भाई, जल्दी से हल्दी चूना लगा लो, अगर नहीं है तो नीचे से ऊपर ला को देता हूँ। क्या? अरे डब्बू बुझा डाल भाई उसको, बुझा डाल। नको 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 नको, बुझाओ नको, मैं उल्टा खींच लेता हूँ। मालिक बात आ, क्या हुआ? बदबू आ रही भाई, कहीं गांजे की सिगरेट तो नहीं पीता है? तुम्हें लोगा क्या हाथ रही भाई, तुम्हें लोग अभी बाहर जाको पियो। जा भैया जा। जय सिनेमा वाले, जय बत्ती जलाओ भाई। वानी वानी कर लिया होता लो। आप भी वही देख रही हैं जो मैं देख रहा हूँ? मैं तो देख ही रही हूँ, मगर आप रात के 2 बजे यहाँ क्या कर रहे हैं? देखने आया था, किसी का धोखा किसी का प्यार। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर अब भी समझ में नहीं आया तो आंखों पर पट्टी बांध दीजिए। मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी हुई। रात के 2 बजे तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? मैं आपके लिए दवाई लेने गया था। और ये तुम्हारे साथ कुछ छर्रे उड़ाने गई। स्वामी ये क्या कह रहे हो? स्वामी कहते हुए शर्म नहीं आती भैया? मैं खूब समझता हूँ,
मेरी बीमारी को तुम दोनों ने मिलने का बहाना बना दिया है। किसने तुम्हें इजाजत दी थी आधी रात को घर से बाहर जाने की? आप बेहोश थे, पानी मांग रहे थे। कल को बेहोशी में आसमान के तारे मांगूंगा, वो भी ला दोगे? घर में पानी नहीं था क्या? मेरी हाथ से खड़ा फूट गया। यू क्यों नहीं कहती कि मेरी किस्मत फूट गई? तुम्हारा धर्म फूट गया और इसका भरम फूट गया। भैया भैया कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें अपना समझ कर इस घर में कदम रख ले दिया। भैया तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कह लो, मगर मेरी बहन से ऐसा ना करो। राजन, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल दूं, तुम चले जाओ यहां से। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना भैया, जिस दिन से तुमने मुझे अपनाया है उसी दिन से मैंने तुम्हें अपने भाई की नजर से देखा और राधा को एक बहन की नजर से। बस इतना सा ही रिश्ता था हमारे तुम्हारे प्यार का, लेकिन लेकिन आज जब इस प्यार में शक का जहर मिल गया तो मैं चला जाऊंगा। भैया कसम है मुझे तुम्हारे प्यार की कि आज के बाद मैं अपनी सूरत तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं दिखाऊंगा। मेरी वजह से तुम्हें जो दुख हुआ भैया, उसके लिए मुझे माफ कर देना, अपने छोटे भाई को माफ कर देना। ठहरो राजा, मुझे माफ कर दो। भैया मैंने तुझे से इंसान पे शक किया, मुझे क्या पता था कि मेरे हाथ कट जाने से मेरी अकल पे भी पर्दा पड़ जाए। भैया राजन, एक बार, सिर्फ एक बार कहते कि तूने मुझे माफ कर दिया। राधा तू भी कह दे। सीमा बेटे, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, बैठो बेटे। मैं वैसे नहीं आई हूं, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। कहो क्या बात है बेटा? मेरा नाम सीमा है। सुनो मुरारी, तुमने 11 महीने से किराया नहीं दिया, मैं किराया लेने आई हूं। छोटी मालकिन, तुम तो मेरी हालत अच्छी तरह जानती हो। तो हमने क्या ठेका ले रखा है तुम्हारा? तुमने हमारी बेटी को समझ क्या रखा है, सराय या धर्मशाला? जवाब क्यों नहीं देते? क्या जवाब दूं छोटी मालकिन, जब से मेरे हाथ कट गए हैं मैं। तो क्या इसके लिए हाथ कट गए हैं? दूसरों के घरों में जाके झाड़ू बर्तन क्यों नहीं करती? सच कहा तुम, लेकिन इसको भेज देता हूं तो राजन बाबू के लिए खाना कौन पकाएगा? राजन बाबू के लिए खाना कौन पकाएगा? हाँ छोटी मालकिन, उनके देने से तो हमारा घर चलता है। बड़े भले आदमी है राजन बाबू। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बड़े भले आदमी है राजन बाबू, खूबसूरत भी है, लेकिन कम तो तुम्हारी राधा भी नहीं। ये क्या कह रही हो छोटी मालकिन? जो आज मैं कह रही हूँ कल दुनिया वाले कहेंगे, लेकिन मुझे क्या, मैं तो किराया लेने आई हूँ, मुझे किराया चाहिए। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं। छोटी मालकिन मुझे कुछ वक्त दो। 2 दिन की मोहलत देती हूँ, 2 दिन के अंदर किराया नहीं दिया तो पूरे बिस्तर बाहर फेंकवा दूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। किसकी किस्मत का फैसला कर रही हो सीमा? ये मेरी किस्मत का फैसला हो रहा है राजन बाबू। आपकी? मैं समझा नहीं, क्या बात है सीमा? तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम इनके कुछ लगते हो? सीमा तुम्हें हो क्या गया, कैसी भागी भागी बातें कर रही हो? मैं बताता हूँ राजन भैया, छोटी मालकिन 11 महीने का किराया मांग रही है मुझसे। हाँ, अगर 2 दिन के अंदर किराया नहीं दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीमा, तो ये बात है? हाँ यही बात है। तुम्हें किराया चाहिए, मिल जाएगा। तो क्या तुम दोगे? हाँ मैं दूंगा। जानती थी कि तुम दोगे। क्या जानती थी? कहने से क्या फायदा, छोड़ दो।
राजन बाबू। जय राजन बाबू। कि बाबू को कहाँ हो गया? ऐसा लग रहा है ये मोची की नौकरी चली गई रही, अबे देख नहीं रही उन्हों धड़ सिगरेट पी रही। मालिक दादा, मामला कुछ गंभीर बुझा था। फिर क्या करेंगे? सब खैरियत है ना? जय, मुंह में ताला लगा लिए क्या? अरे कुछ तो भी बोलो ना भाई। आप लोगों को बोलने से क्या फायदा? अरे बबुआ, एक बार बता के तो देखो। फिर देखो, हमें लगा क्या हंगामा करते हैं। सीमा ने मुरारी से 11 महीने का किराया मांगा है। बस तो इसमें घबराएगी कौन सी बात? इसमें घबराने की तो बात है। कौन सी बात है भाई? अगर मुरारी ने 48 घंटे में किराया नहीं दिया तो वो घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसी बात है क्या? ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसी वक्त किराया देने का वादा कर लिया। बस वादे किया है ना? लो मिलाओ हाथ। अरे हाथ मिलाओ। अरे भाई, यार का वादा हमें लोग पूरा करेंगे ना? लेकिन पूरा कैसे होगा? मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपए हैं और देने 330। रोटी वाला मालिक दाता, कितना पैसा है तुम्हारे पास? निकालो। 20 रुपया है भाई। और 30 रुपया अपने पास है। 50 हो गए। 50 80 रह गए। मैं अपनी घड़ी बेच दूं। दूसरी बार ऐसी बात नहीं करना। क्या हमें लोग मर गए क्या? दादा बोलो। ठीक है साहब, लेकिन फिर भी पैसे पूरे कैसे होंगे? हम बतावे कैसे होंगे? कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। क्या मतलब? अरे भाई, हमें लोग गली में नाच को गा को कमरा हिला को कमाएंगे ना। तो इसका मतलब ये कि आप लोग भीख मांगेंगे? अरे भीख कैसी साहेब, हम पसीना बहाएंगे, मेहनत करेंगे। बाजार में नाचोगे गाओगे और फिर कहते हो कि मेहनत करेंगे? नहीं नहीं, ये बात है। और जब अकाल पड़ता है, गंगा जी में बाढ़ आती है, तो बड़े बड़े लोग एक टरन को बुलाए के नचाते गवाते हैं, तो वो भीख नहीं होती है। जय राजन बाबू, हमें गरीब आदमी किसी गरीब भाई के लिए नाच गाओ को पैसे कमाए तो तुम्हें उसे भीख समझते क्या? अच्छा बाबा, आप लोग जीते मैं हारा। ये भाई बात, आप लोगों से बहस करना फजूल। जब जानते ही फिर काय को करते हैं भाई? नहीं करूंगा। फिर चलो ना। कहाँ? ये चलो ना तुम्हें। कहाँ? नहीं दादा, खींचो ना। चलना जाना है। मेरे जमूरे हाँ जी, एक बात कहेगा हाँ जी, क्या झूठ कहेगा ना जी, तो सच कहेगा हाँ जी, एक बात कहेगा सच कहेगा, सच कहेगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बेटा जमूरे बेटा जमूरे, कह दे दुनिया को ललकार के। बेटा जमूरे कह दे दुनिया को ललकार के, दो दिन की जिंदगी है क्यों ना गुजारे प्यार से। बेटा जमूरे कह दे दुनिया को ललकार के, दो दिन की जिंदगी है क्यों ना गुजारे प्यार से। बेटा जमूरे कहते हैं के सदियों पहले बंदर से इंसान बना, कहते हैं के सदियों पहले बंदर से इंसान बना, लेकिन सच पूछो तो वो इंसान नहीं शैतान बना। फिर से बंदर बन के सीखो जीना किसको कहते हैं, तुमसे तो हैवान ही अच्छे, तुमसे तो हैवान ही अच्छे जो मिलजुल कर रहते हैं। लड़े भाई से भाई बने हो सभी कसाई, कहीं इंसान की सूरत नजर ना हमको आई। तोड़ रहे यूं ही सर अपना नफरत की दीवार से, अरे नफरत की दीवार से। बेटा जमूरे बेटा जमूरे, कह दे दुनिया को ललकार के,
दो दिन की जिंदगी है क्यों ना गुजारे प्यार से बेटा जमूरे। पैसा बड़ा सही पर तुम तो उसको बाप समझते हो, पर पैसा बड़ा सही पर तुम तो उसको बाप समझते हो, कुत्ता चाहे खा ले हमको देना पाप समझते हो। डरते हो भगवान से मंदिर बड़े बड़े बनवाते हो, दान पुण्य की ओट में अपने दान पुण्य की ओट में अपने मन का फोट छुपाते हो। प्रभु रिश्वत ना माने खरा खोटा पहचाने, वो रहता है कुटियन में सभी को एक सजाने। पहले हमसे गले मिलो जो मिलना है करतार से, अरे मिलना है करतार से बेटा जमूरे। बेटा जमूरे कह दे दुनिया को ललकार के, दो दिन की जिंदगी है क्यों ना गुजारे प्यार से बेटा जमूरे। दिल में सबके झूठ भरा है और बातों में बनावट है, पर दिल में सबके झूठ भरा है और बातों में बनावट है। दूध में पानी घी में मैदा आटे में भी मिलावट है, दाम अगर दो चावल के तो पत्थर साथ में आता है। सौदा करो नमक का लेकिन सौदा करो नमक का लेकिन चूना हाथ में आता है। हल्दी में है पीली मट्टी, घास मिली है धनिये में, कोट नहीं चीजों में भैया अरे खोट है मन के बनिए में। जियो अब पी कर पानी, पड़ेगी हवा ही खानी, गया ईमान हमारा रही यारों बेईमानी। सोचो तो क्या चले हो लेके दुनिया के बाजार से, अरे दुनिया के बाजार से बेटा जमूरे। बेटा जमूरे कह दे दुनिया को ललकार के, दो दिन की जिंदगी है क्यों ना गुजारे प्यार से बेटा जमूरे। क्या है? मुरारी का किराया लाया। मुझे शक तो था ही लेकिन अब यकीन हो गया। किस बात का यकीन हो गया? कहने से क्या फर्क है? सीमा तुम जो कुछ समझ रही हो गलत समझ रही हो। मैं जो कुछ समझ रही हूँ बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। तुमसे बहस करना फजूल है। सीमा किराया ले लो। मैं ये किराया नहीं लूंगी। तुम्हें किराया लेना होगा और मैं देखता हूँ तुम मुरारी को कैसे निकालती हो। तुम क्यों चाहोगे कि राधा तुम्हारी नजरों से दूर हो जाए? सीमा तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें सोचते हुए? जब तुम्हें नहीं आती तो मुझे क्यों आएगी? लेकिन सीमा क्या तुम जानती नहीं हम दोनों का रिश्ता? जानती हूँ। क्या जानती हो? अरे ये क्या झगड़ा हो रहा है आपस में? कोई झगड़ा नहीं मालकिन, मैं सीमा देवी को मुरारी का किराया देने आया था। किराया? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। सीमा देवी से पूछ लीजिए, आपकी साहबजादी मुरारी को धमकी देके आई थी कि अगर उसने 48 घंटे में किराया नहीं दिया तो घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। सीमा क्या तुमने ऐसा कहा था? हाँ कहा था। सुन लिया आपने? खैर मुझे इससे क्या, मालकिन किराया ले लीजिए और रसीद भिजवा दीजिएगा और अपनी बेटी से कह दीजिए कि गरीबों की इज्जत से ना खेला करे, आखिर वो भी इंसान है। सीमा मुरारी से किराया मांगने के लिए तुमसे किसने कहा था? किराया मांगा तो क्या हुआ, कोई गुनाह तो नहीं किया मैंने? ऐसी बात नहीं बेटी, तू जो चाहे सो कर सकती है, बिल्डिंग को बेच भी सकती है,
लेकिन मेरे जीते जी मेरे काम में दखल नहीं दे सकते। तो फिर निकाल दो ना उनको, जो फिर आ सकते ही दे सकते। लेकिन इनको बिल्डिंग से निकालने वाली तू कौन होती है? ये बात है तो घोट में जाए बिल्डिंग और चूल्हे में जाए किराएदार। मैं अगर अपने बिल्डिंग के मामले में नहीं बोल सकती तो लाने दे मेरे यहाँ रहने पर। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाती हूँ। सीमा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं जो कुछ कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। लेकिन तुम्हें माने के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखो ना बिहारी बाबू, आप हमारे बीच में मत बोलिए। मैं तो दोस्ताना मशवरा दे रहा हूँ। माँ जी आप घबराइए नहीं, मैं सीमा को समझा देता हूँ। आओ मेरे साथ चलो। अरे राम बैठो, ये तुम क्या कर रही हो? मैं जो कुछ कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। तुम जो कुछ कर रही हो बिल्कुल गलत कर रही हो, मेरी मानो तो। लेकिन अब मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सकता। अगर तुम अपनी जिंदगी का सुख चाहती हो तो तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। सबसे हंसी खुशी मिलो, उसके बाद मैं जानू और मेरा काम। लेकिन एक बार सिर्फ मेरा कहना मान लो, इसके बाद जिंदगी में कभी कुछ नहीं कहूंगा। हंसो हंसो ना, ये बात हुई ना। अब सबसे पहले जाकर अपनी माँ से माफी मांगो। देखा तुमने, देखा ना तुमने, तुम्हारे सीमा ने तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। मेरी जिंदगी का एक काम पूरा हो गया। अब मैं तीर्थ यात्रा को जा रही हूँ। देवी देवताओं से प्रार्थना करूंगी कि हमारी सीमा के हाथ पीले हो जाए। ठहरो राजन, राजन मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? क्यों? वो शाख ही ना रही जिस पर आशियाना था। क्या मतलब? मतलब यह कि जब अपने दिल की मालकिन ही शक करने लगी और बेगुनाह गरीबों पर जुल्म ढाने लगी तो सोचा यहाँ से चला जाना ही बेहतर। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। कृष्ण की बांसुरी राधा के लिए? राधा का तो मुरारी है। मैं ना कृष्ण हूँ ना कन्हैया, मैं राजन हूँ सीमा। मैं तो एक गरीब दुखियारी को बहन समझकर उसकी मदद करना चाहता था, मगर तुमने उस पर भी शक करके उसे घर से बेघर कर देना चाहा। मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी राजू। नहीं सीमा, मुझे जाने दो। राजू मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि राधा तो क्या, मैं तो उस हवा पर भी शक करती हूँ जो तुम्हारे बालों से खेलते हुए चली जाती है। ओ राजन मुझे छोड़ के न जाओ, मुझे छोड़ के न जाओ। रोटी वाले, ए रोटी वाले, जा नहीं होता तो मर। जय राम जी की। बाबू कौन मर गया भाई? कोई नहीं मरा दादा। तो नहीं की, नहीं की भाई। तो डाका मारा? कुछ नहीं मारा भाई। क्या हुआ? मैं बोलो बोलो, तुम्हें लोग मुझे मारेंगे तो नहीं? नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। अरे नहीं मारेंगे बाबा, बोलो ना। मारेंगे तो बोल के मारो भाई। अरे बोल ना। बोलता हूँ भाई। दादा हाँ। मैं हाँ। एक पुट्टी से प्यार करने लग गया हूँ भाई। नहीं, नहीं। क्या करने लग गया? तुम्हें हंस रही? मेरा सारा जिस्म रो रहा है भाई। मैं कसम खा को बोलता हूँ, सच्चा प्यार है ये। पर मालिक प्यार हुआ कब? दादा आज सुबह जब मैं डांडा जा रहा था, चाल तेरी चक्कर मक्कर बैठक तेरी चक्की, दाता तेरे अनार के। ए इनो मुस्कुरा के दावत दे रही क्या? Thank you.
अरे बोलता क्यों नहीं? ए बोलना। तुम्हें मेरे को ए बोले ना? हाँ। तुम्हें एक बात फिर से ए बोलो ना। अगर मैं ए बोलूँ तो तू मेरी सारी मच्छी ले लेगा। अगर तुम्हें ए बोलेंगे तो मैं तुम्हारी मच्छी क्या तुम्हारे बाजू वाली की भी मच्छी खरीद लूँ। चलो ए। हाय मर गया फिर डालो डालो टोकरे में। क्या ए बोलो क्या मच्छी है तुम्हारी? लो ला पैसे दे रहा हूँ ये ला। अरे ये तो बहुत है। बहुत कम है बोलो भाई हमें मच्छी खरीद के खुद बिक गए ना। क्या मतलब? हमें तुम्हारे से मोहब्बत करने लग गए ना। तुझे डोका फिर ला इसका। ए मेरे पीछे पीछे क्यों आता है? अब मैं दिल में ठान लिया हूँ भाई बाकी की जिंदगी मैं तुम्हारा साया बन के गुजारूंगा। पागल हो गया है पागल। तुम्हें पागल बोलो या पागल बोलो पहले जमाने में लैला मजनू की कहानी मशहूर थी आने वाले जमाने में मच्छी वाली और रोटी वाली की कहानी मशहूर हो जाएगी। तुम्हें जब तक हाँ नहीं बोलेंगे ना मैं हिलूंगा ना हटूंगा अगर मर गया तो मेरी मदार बना देना होता है। ए, ए, तू सच में पागल हो गया है क्या? सुबह से शाम हुई ना तूने खाया है ना पिया है ऐसे बैठे बैठे सूख जाएगा। रोटी सूख के बन गई लकड़ी और मैं सूख के कांटा जब से तूने ए ए कह के मारा प्यार का चांटा हो 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 देखी अनाड़ी तोरी प्रीत रे देखी अनाड़ी तोरी प्रीत चुप के झरोखे से दिल को जलाए रे सीखी कहाँ से ऐसी रीत देखी देखी अनाड़ी तोरी प्रीत रे देखी अनाड़ी तोरी प्रीत मुझे तड़पाया तूने के जैसे मछली तड़पे हाय मुझे तड़पाया तूने के जैसे मछली तड़पे मेरा भी दम टूटेगा सितम गर तेरे दर पे हाय 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 बैठा रहूंगा खिड़की के नीचे बैठा रहूंगा रहूंगा खिड़की के नीचे चाहे उम्र जाए बीत देगी देगी देखी देखी अनाड़ी तोरी प्रीत देखी देखी अनाड़ी तोरी प्रीत मैं बेचूं दिल का गुंचा खड़ा तेरे दस्ते में उठा ले मैं बेचूं दिल का गुंचा खड़ा तेरे दस्ते में अगर तू हंस के देखे तो बिक जाऊं सस्ते में ए, तुझको खबर क्या तेरी गली में तुझको खबर का खबर क्या तेरी गली में रो रो के गाए मैंने गीत देख 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 देखी अनाड़ी तोरी प्रीत देखी देखी अनाड़ी तोरी प्रीत
उल्फत जगा के छोड़ूंगा मैं तेरे दिल को भी मछली बना के छोड़ूंगा। हाँ मैं आंसुओं से बहा दूंगा हर तरफ दरियाओं दरियाओं रियाओं 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 और मैं अपने साथ तुझे भी बहा के छोड़ूंगा। जी के तुझे डर पा न सका मैं जी के तुझे डर पा न सका मैं मर के तो होगी मेरी जीत देखी देखी अनाड़ी है देखी अनाड़ी तो ऐ देखी अनाड़ी तोरी प्रीत देखी देखी अनाड़ी तोरी प्रीत। तो इसमें रोने की क्या बात है? तो हंसने की भी क्या बात है भाई? उन्हें मच्छी वाली है ना? मच्छी वाली? मच्छी वाली है तो क्या हुआ? अरे मच्छी और रोटी का तो मेल है। जय मच्छी और रोटी का मेल है लेकिन मच्छी और दूध का मेल नहीं है ना है? और मैं मेरे दूध वाले को कैसे छोड़ू? मैं मेरे दूध वाले को नहीं छोड़ूंगा भाई और मैं मेरी मच्छी वाली को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं मच्छी को पकड़ता हूँ तो दूध जाता है, दूध को पकड़ता हूँ तो मच्छी जाती है। मैं क्या करूं, मर जाऊंगा भाई। अरे तो मालिक तुम बगल में रहना, हम कभी कभी आ जाए करेंगे तुम्हारे पास। दादा तुम्हें कसम खा के बोलो तुम्हें आएंगे। आएंगे भैया? बाबू तुम्हें भी आएंगे। आएंगे आएंगे, आएंगे। बस मुझे उत्तर बनता था भाई। अच्छा पहले बताओ कि हमें वो लड़की कब दिखाओगे? जब तुम्हें बोलेंगे दिखा देता हूँ। मालिक कल होली का त्योहार है, बहुत बढ़िया दिन है मालिक, कल है बुलाओ ना। दादा कल लाऊं? हाँ। तुम्हें मारेंगे तो नहीं? अरे राम का नाम लो भैया, हम तो खाली देखेंगे। जय रत्ना। अरे भाई दूध वाला आदमी उठे आओ ना, तुम्हें साथ में आओ। जय दूध वाला भाई। काम बोलने भाई, दूध वाला भाई। क्या हुआ भाई? तुम पकड़ो इनके पाँव, पकड़ लो। आशीर्वाद दो जी। मालिक दाता कलेजा जुड़ाए, कलेजा जुड़ाए क्या? जीती हो बेटी, जीती हो। ये तुम्हारे दूध वाले चाचा थे। रंग उड़ाओ धूम मचाओ फेंको लाल गुलाल, रंग उड़ाओ धूम मचाओ फेंको लाल गुलाल। अरे आज बुरा जो माने उसके रंग दो दोनों गाल के, आरा रा रा रंग दो सभी को एक रंग में, आई रंगीली होली रे। आरा रा रा रंग दो सभी को एक रंग में, आई रंगीली होली रे। देखो भाई जरा ये चाल देखो, बिलायती सूट देखो, बिलायती बाल देखो, बड़ा जो रंग यार हो गया क्या हाल देखो। अरे बाबू जी जरा ठहरो जाओगे कहाँ है ऐसे बिगड़ती,
कुछ हंसी की पढ़ाई कि अपना देश भूला, लगाई जब से टाई तो अपना भेष भूला, पुरानी रीत भूला, पीत पसंद नहीं भूला, आओ चढ़ा ले रंग देसी के रंग पर देसी उतर जाए, आओ चढ़ा ले रंग देसी के रंग पर देसी उतर जाए, रंग तो भी जरा सा सीख टोले हमारे रंग तो भी, चले हैं यार लेके प्यार आजा संग तू भी, कोई बड़ा ना कोई छोटा खेलेंगे रंग होली का मिल के, कोई बड़ा ना कोई छोटा खेलेंगे रंग होली का मिल के, हम तो प्यारे सच्चे हैं दिल के, हम तो प्यारे सच्चे हैं दिल के, बोले खोटी न बोली रे, रंग तो सभी को एक रंग में आई रंगीन होली रे, तो क्या मुझे तुम्हें लाना पड़ेगा? तो क्या लड़कियां अकेले आया करती है? खैर छोड़ो इन बातों को। अच्छा बताओ सीमा, तुम्हें ये कमरा कैसा लगा? बहुत अच्छा। जानती हो सीमा, इस कमरे को सजाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अच्छा? हाँ, ये कुर्सी देखिए, ये कुर्सी मुझे शहंशाह नेपोलियन ने दी थी। हाँ सच कह रहा हूँ। और ये टेबल मेरे अजीज दोस्त महाराजा ऑफ तिम्बकतू ने मुझे पेश की थी। सच कह रहा हूँ। और ये बुकशेल्फ, हाय बड़ी अच्छी बुकशेल्फ, ये बुक शेल्फ मुझे किंग ऑफ होनोलुलु ने दी थी। और ये पलंग, हाय जालिम पलंग है, जानती हो सीमा ये पलंग मुझे मिस्र की रानी क्लियोपात्रा एलिजाबेथ टेलर ने दी थी। तुम मेरी बात का मजाक समझ रही हो क्या? नहीं, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। जानते हो क्यों? क्यों? आखिर तुम भी उन्हीं चीजों के सपने देखते हो जिनके मैं देखती, तुम्हारे दिल में भी वही आरजुए हैं जो मेरे दिल में है। सीमा, सीमा मैं तुम्हारी जिंदगी की हर तमन्ना पूरी कर दूंगा, दुनिया की हर नेमत तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। सीमा, सीमा और मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम इन खुशियों से तंग आकर मेरे पास आओगी और कहोगी राजन राजन मुझे एक ऐसी जगह ले चलो जहां सिवाय तेरे मेरे और कोई ना हो। अगर यकीन ना आए तो मेरी आंखों से पूछ लो। कुछ नजर आया तुम? तुम ही बता लो। बताओ? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने कुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। राजू, मुझे डर सा लगता है। किस बात का डर? कहीं तो मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? सीमा, सीमा सिर्फ मौत ही मुझे तुमसे जुदा कर सकती है। तार वाला। क्या भाई? आपका तार। मेरा? जी। मेरा तार? कैसा तार है?
पिताजी का तार है, मां सख्त बीमार है। तब तो तुम्हें जाना ही होगा। हाँ लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सीमा तुम मेरा इंतजार करोगी ना? मैं कयामत के दिन तक इंतजार करूंगी। सीमा उठो बेटी। क्या बात है माँ? मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। बाद में कर लेना, अब तो मैं और भी सो। बाद में वक्त नहीं मिलेगा बेटी, मैं आज जा रही हूँ। जा रही है? हाँ। कहाँ? तीर्थ यात्रा पर, हरिद्वार। हरिद्वार? मगर क्यों? इसलिए कि तूने अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दी। मुझे इसी दिन का इंतजार था बेटी। नहीं माँ नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती माँ। सीमा एक ना एक दिन तो तुझे मेरे बगैर रहना ही पड़ेगा। ले, ये कागजात संभाल कर रख। ये कागजात कैसे माँ? बिल्डिंग के। बिल्डिंग के? हाँ। मैं समझी नहीं। मैंने ये बिल्डिंग तेरे नाम कर दी बेटी। मेरे नाम? हाँ। लेकिन क्यों माँ? सीमा मैं यात्रा को जा रही हूँ ना बेटी, ना जाने कल को क्या होगा, जिंदगी का क्या भरोसा। ऐसा न कहो माँ, ऐसा न कहो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। यात्रा को जाते हुए नहीं रोकते बेटी। मार्किन जब गंगा जी में स्नान करना ना तो एक लोटा अपना मालकिन मेरे लिए तो एक डुबकी मार डालना। मालकिन मैं जरा जल्दी में हूँ, मैं जाऊँ। जा बेटा जा, भगवान भला। मालकिन तुम्हारे जाने से ऐसा मालूम होता है कि हमारी बिल्डिंग की आत्मा जा रही है। मुरारी मालकिन जल्दी जल्दी लौट आना। यात्रा पर जा रही हूँ, जिंदगी का क्या भरोसा। क्या बात है, बहुत उदास नजर आ रही। उदासी की तो बात है, मैं अपनी माँ के बगैर कभी अकेली नहीं रही। तुम्हारी माँ हमेशा के लिए थोड़ी चली गई, तीर्थ यात्रा के लिए गई हैं, चंद दिनों में वापस आ जाएंगी। तब तक मैं तुम्हारे सब सपने पूरे कर दूंगा। कैसे? मैंने वकील को कह दिया, दो तीन दिन में वो कागजात तैयार कर लेगा और चंद ही दिनों में बिल्डिंग के किराएदारों को बिल्डिंग खाली करने का नोटिस मिल जाएगा। लेकिन 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 कुछ नहीं, मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब हंसो, हंसो ना। जय बाबूजी, जय हरदास। हमारी मालकिन को तुम्हें एक अर्जेंट टेलीग्राम दो ना। हरदास पीछे, जय हरदास पीछे गया तो क्या होगा भाई, तार वाला तो सामने है ना। जय माली, और तुम मरता क्या नहीं तू? और नहीं सामने से पकड़ रहा, पीछे से क्या पकड़ रहा? सामने से पकड़ रहा। पीछे पहलवान भाई, अगर मैं पीछे गया तो गाड़ी हरिद्वार पहुंच जाएगी ना। और गड्डी बात चार हजार जाएगी, तभी पहले बचा दूं मैं। लेकिन पहलवान भाई, भगवान तुम्हारे बच्चा को सलामत रखे। तुम्हें किंग कॉन्ग को मार डालो, तुम्हें दारा सिंह को लिटा डालो, तुम्हें रुस्तू में हिंद बन जाओ। अब पहले क्यों नहीं किया तुमने? हमारी गलती हो गई भाई, तार कर लूं। और कर ले पुत्र, कर ले। आजकल तुम्हें हमारी मालकिन को जल्दी से यहाँ बुला लो।
अरे बिहारी बाबू, सोने का क्या हुआ? एग्रीमेंट कब साइन करोगे? हो जाएगा जल्दी, क्या है? अरे बाबा जल्दी करो ना, मेरी कमीशन मिलेगी, कमीशन। जल्दी किया तो 5 लाख का नुकसान हो जाएगा। बाबा जल्दी मत करो, तुम आराम से करो, आराम से करो। तो जानते हो मुनाफा कितने का होगा? अरे कितने का? यही कोई 15 लाख। 15 लाख? अरे बिहारी बाबू, अरे बोली जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहारी बाबू मेरी कमीशन क्या होगी? थोड़ी सी। थोड़ी सी? 3 लाख। 3 लाख? हरी बाबू, ए हरिया, ए हरी बाबू, ए हो जाए, क्या हो जाए? हरी बाबू हो जाए ना, क्या हो जाए? अरे जलसा। कैसा जलसा? खालस हिंदुस्तानी था दिना दिन, था दिना दिन, था दिना दिन था।
की क्या जरूरत है, मैंने पढ़ लिए हैं, सब ठीक है। लीजिए आप सर दस्तखत कर दीजिए। आज ही चाहिए? हो जाता तो अच्छा था। क्यों, कोई खास बात है क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा मतलब था कि अगर राजन भी अच्छा था तो अच्छा था। ओ क्या, कोई बात नहीं, राजन को आ जाने दीजिए फिर देखा जाएगा। बुरा मान गए? मैं क्यों बुरा मानूंगा, आपकी बिल्डिंग है, आप मालकिन है, मेरा क्या जाता है। मैं तो जो कुछ कर रहा हूँ आपके भले के लिए कर रहा हूँ, मेरा तो इसमें कोई फायदा नहीं। मैं जानती हूँ आपने हमेशा मेरे भले के लिए सोचा है, हमेशा मेरा साथ दिया है और हमेशा साथ देता रहूंगा। लेकिन लेकिन क्या, अगर आज आप इन कागजात पर दस्तखत नहीं करेंगी तो ये सारे डॉक्यूमेंट बेकार हो जाएंगे। आज का दिन निकल गया तो किराएदारों के नोटिस गैर कानूनी हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था, बताइए मैं कहाँ कहाँ दस्तखत करूँ। एक तो यहाँ। कागजात पर दस्तखत नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, तुमने ये बिल्डिंग मेरे नाम लिखती है। बाहर में झुकने के लिए बदमाश धोखेबाज, मेरी गैर हाजिरी में मेरी भोली भाली बच्ची को फुसलाता है। माँ तुम बिहारी बाबू से ऐसे बात नहीं कह सकती। चुप, तू मुझे बोलना सिखाएगी? बिहारी इसी वक्त बिल्डिंग से बाहर हो जा, वरना माँ सीमा चल मेरे साथ। मैं नहीं चलूंगी। चल मेरे चलूंगी। मुझे छोड़ माँ, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो। मैं कहती हूँ चले जाए। मैं कहती हूँ कि मैं दस्तखत करूंगी। दस्तखत करेगी? हाँ करूंगी। मैं देखती हूँ तो कैसे दस्तखत करेगी। माँ मैं कहती हूँ मुझे मजबूर न कर। कहती हूँ तू मुझे मजबूर न कर, मैं तुझे उन कागजात पर दस्तखत नहीं करने दूंगी। मैं करूंगी। तू नहीं मानेगी? नहीं 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 नहीं। आइए बिहारी बाबू बताइए कहाँ कहाँ दस्तखत करने हैं। कब आओगे? माँ अब तुम ठीक हो ना? हाँ बेटा, जब तुम मेरे पास होते हो मैं हमेशा ठीक रहती हूँ।
मैं बंबई जाऊं? फिर वही बात बेटा, तुम्हें यहाँ किस बात की कमी है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एक जरूरी काम है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी बेटा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो भी तो नहीं रह सकती मेरे बगैर। वो कौन? वो बता ना बेटा बता। वो एक है, बहुत अच्छी है, तुम्हें पसंद आएगी। माँ माँ मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा उसे साथ लेकर। अगर तुम इजाजत दो तो। मेरी इजाजत? बेटा तू किसी को सड़क से ले आएगा ना तो भी मैं उसे सर पर बिठा लूंगी। ओ मेरी अच्छी माँ, अब मैं जाऊं? अरे तेरे पिताजी को तो आ जाने दे। तो नहीं माँ, पिताजी आएंगे तो मुझे नहीं जाने देंगे, वो कहेंगे मेरी बिजनेस कौन संभालेगा, ये लाखों करोड़ों रुपए मैंने किस लिए कमाए हैं। नहीं मामा 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 अच्छा मामा, बस मामा, रहने दे सब, एक हफ्ते में लौट के तो आएगा ना। ओ मामा मेरे डॉक्यूमेंट्स प्लीज। थैंक यू, ये आपके डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू। पोजेशन कब दीजिएगा? विद इन 30 डेज। ओके गुड नाइट। मुरारी भैया अब क्या होगा, आज बिल्डिंग छोड़ने का आखिरी दिन है। डरने की कोई बात नहीं भिकू भैया, दूध वाला और रोटी वाला दूसरी जगह ढूंढने गए हैं। अगर जगह नहीं मिली मुरारी भैया तो हम ये छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे, और फिर ऊपर से बरसात आ रही है। हाँ दया धर्म की देवी तो चली गई भाई, लेकिन हम पर कयामत आ गई। क्या हो गया छोटी मालकिन को भगवान जाने। अरे छोटी मालकिन का नाम काहे लेते हो भैया, उसमें उनका कोई कसूर नहीं, ये सारी बदमाशी वो भिखारी बाबू की। भिखारी बाबू? आओ रोटी वाले, जगह का कोई बंदोबस्त हुआ? अरे जगह तो बहुत मिलती है भैया, मगर पगड़ी मांगते हैं। पगड़ी? पगड़ी? ये पगड़ी क्या बला है भैया? बला नहीं भाई, मगरमच्छ है जो सारा आदमी खा लेता है। ये पगड़ी का दूसरा नाम रिश्वत, काला पैसा। इससे भी छोटे कमरे का 5,000 रुपया मांग। 5,000? अरे बाप रे, मैंने तो अपनी जिंदगी में 500 भी नहीं देखे हैं। क्या भैया क्या बताऊं, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। तुम्हें फिक्र ना को करो, शादी प्लेटफॉर्म पे कर लेंगे, वही बैंड बाजा ने बजा लेंगे भाई। रोटी वाले भैया बोलो, अगर हमने ये बिल्डिंग नहीं छोड़ी। हाँ हाँ नहीं छोड़ी तो नहीं छोड़ी। आलोश शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। तुम लोग बगावत करने पर लगे हो, मालकिन के एहसान का बदला चुका रहे हो। लेकिन दूध वाले भैया दूसरा उपाय भी तो नहीं है। काश आज राजन यहाँ होता। ओ भैया, ओ चिंटू कुन्नू। राजन? ओ दूध वाले भैया, ओ रोटी वाले, ओ मुरारी भैया। क्या तुम लोग खुश नहीं हुए मुझे देखकर? चुप क्यों हो? क्या सांप सूंघ गया तुम लोगों को? राजन भैया मालकिन मर गई। मरी नहीं, वो जिंदा तुम्हारे आंसुओं में, उन गरीबों के दिलों में।
जिन्हें माँ ने इस बिल्डिंग में हमेशा अपने बच्चों की तरह रखा। राजन, तुम फिर कभी मुझे छोड़ के तो नहीं सकते? कभी नहीं सीमा, कभी नहीं। अच्छा तुम आराम करो, मैं फिर आऊंगा। राजन, राजन मुझे यहां से ले चलो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। मुझे इस जगह से नफरत हो गई है, इस बिल्डिंग से नफरत हो गई है। क्या कह रही है सीमा, तुम्हें इस बिल्डिंग से नफरत है जिसमें माँ ने अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा में बिताया? लेकिन मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मैं अपने लिए जिंदा रहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तुम जिस तरह चाहो उस तरह रह सकती हो, तुम्हें कौन रोकता है? मुझे डर था कि शायद तुम रोको, लेकिन अब तुमने हाँ कर दी तो मुझे किसी का डर नहीं रहा। सुनो राजन, मैंने ये बिल्डिंग दे दी है। बिल्डिंग दे दी? लेकिन किसको? बिहारी बाबू को। बिहारी बाबू को? हाँ, वो यहाँ पे एक नई बिल्डिंग बनाएंगे। तो इन बेचारे गरीबों क्या होगा जो उस बिल्डिंग में रहते हैं? उनको मैंने एक महीने का नोटिस दे दिया है। नोटिस दे दिया? नहीं नहीं सीमा, तुमने ये अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? मेरी एक बात मानोगे? तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। नहीं, मुझे जान नहीं चाहिए, सिर्फ वो नोटिस वापस ले लो। नोटिस वापस ले लो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस बिल्डिंग में नहीं रहूंगी। तो फिर कहाँ रहोगी? एक नए बंगले में तुम्हारे साथ। मुझे जिंदगी चाहिए, खुशी चाहिए। तुम इन सबके गले पर छुरी फेर कर खुशी हासिल करोगी? 100 खानदानों को फुटपाथ पर भेजकर एक नया बंगला बनाओगी? नहीं सीमा, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि ये गरीब। इसका मतलब ये है कि तुमने जो वादा किया था वो गलत था। कौन सा वादा? क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम मेरे लिए जीवन भर की खुशियाँ मेरे कदमों में डाल दोगे? क्या तुमने वादा नहीं किया था कि मेरी हर खुशी में मेरा साथ दोगे? हाँ सीमा, मैंने वादा किया था, लेकिन उस सीमा से जो इंसान थी, खुदगर्ज नहीं। खुदगर्ज मैं नहीं, तुम हो। आज जब साथ देने का वक्त आया है तो तुम मुझे खुदगर्ज कहकर उन दो चखे के आदमियों की तरफदारी कर रहे हो। सीमा मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। तो तुम्हारा प्यार झूठा था। नहीं सीमा, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अपने उसूल नहीं छोड़ सकता। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अपनी खुशी नहीं छोड़ सकती। खुशी? खुशी तो झोपड़े में रहकर भी मिल सकती है। मुझे ऐसी मैली कुचैली झोपड़े की खुशी नहीं चाहिए। तो तुमने फैसला कर लिया है? हाँ, और आज तुम्हें भी फैसला करना होगा। कैसा फैसला? कि तुम मेरा साथ दोगे या उन भिख मंगों का। ये शर्त? हाँ, बोलो, जवाब दो। तो सुन लो, मैं उनके साथ जिनका साथ तुमने छोड़ दिया। राजन, तुम इन दो चक्के के आदमियों के लिए मेरी मोहब्बत को ठुकरा रहे हो? नहीं सीमा, मैं उस खुशी को ठुकरा रहा हूँ जो आंख बंद करके दौलत के रास्ते पर चलने से पैदा होती है। मैं उस खुदगर्जी को ठुकरा रहा हूँ जिसके लालची हाथों ने तुम्हारी आत्मा को अपने खौफनाक पंजों में जकड़ लिया है। तुमने उस रास्ते पे चलना शुरू करो। राजन बस करो। तुम अपने कानों के साथ साथ इस बिल्डिंग के दरवाजे भी बंद कर सकती हो, मगर मुझे सच कहने से नहीं रोक। चले जाओ यहाँ से। तुमने बुलाया था, तुम्हें चलाया, आज तुम जाने के लिए कह रही हो, मैं चला जाता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना सीमा, कि एक दिन तुम पछताओगी और तुम्हें महसूस होगा कि तुमने दौलत के लालच में आकर सच्चाई को ठुकरा दिया। Get out! Get out! Get out!
मैं अंदर आ सकता हूँ? ये लोग इस बिल्डिंग से कब जाएंगे? मैं तो तुम्हारे हुक्म का इंतजार कर रहा था, आज ही निकाल देता हूँ। हाँ, अभी इसी वक्त। हाँ हाँ अभी इसी वक्त सबको सामान समेत उठाकर बाहर फेंक देता हूँ। अरे राम, अरे राम, इन सब से कह दो कि 15 मिनट के अंदर ये जगह खाली कर दें, वरना वरना क्या होगा? धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। अभी मालूम है कि हम क्या करेंगे। क्या करेंगे? जाओ भिखारी बाबू। अरे हाँ भिखारी बाबू, तुम्हारे जिस्म का हरीवा बना दो। कानून को अपने हाथ मत लो। भिखारी तुम जो भी कुछ कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। यू शट। गरीब को इतना ना झुकाओ कि वो मजबूर होकर कुछ करना बैठे। ठीक है लीडर बनना है तो चपाटी पर जाओ। अरे राम, दातों के भूत बातों से नहीं मानते, इन सब का सामान उठा के बाहर फेंक दो। मालिक, रोक लो हमें, रोक लो मालिक, रोक लो। बस थोड़ी देर के लिए चली चलो छोटी मालकिन, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास वक्त नहीं है बेटी, आज के बाद हम लोग कभी तुमसे कुछ नहीं कहने आएंगे। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। चलो नमस्ते छोटी मालकिन। क्या है? हमें माफ करना, तुमको हमने यहाँ बुलाकर बहुत तकलीफ दी, लेकिन हम दिल से मजबूर हैं, उनको देखे बिना हम इस घर से नहीं जा सकते। दुख इस बात का नहीं है कि यह घर हमसे छूट जाएगा, दुख इस बात का है कि तुम हमसे छूट जाओगी। बेटी, तुमसे पिछड़कर हमें बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि तुम उस पूज्य देवी की आखिरी निशानी हो जिसने हमें फुटपाथ से उठाकर इस घर में रखा। आज ऐसा लगता है कि जैसे उस स्वर्गवासी मालकिन का सारा हमारे सर से उठ रहा है। बेटी, छोटी मालकिन, आज तुम हमसे बिछड़ रही हो, आज हमारी बेटी हमसे जुदा हो रही है, फिर भी हम क्या कहें, कुछ बन न पाया हमसे। जी चाहता था कि तुम्हें हीरे जवाहरात से जड़ दें, लेकिन हम मजबूर हैं। फिर भी एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे कदमों में लाए हैं बेटी, और इसे लाने और पाने में एक एक ने अपना हिस्सा दिया है। किसी बच्चे ने अपना छोटा सा खिलौना दिया है, तो किसी ने अपने कानों के बूंदे, और किसी ने अपने चांदी के कड़े, और जिसके पास कुछ नहीं था उसने तन के कपड़े बेचकर मोहब्बत का सबूत दिया है। हमें उम्मीद है कि तुम हमें निराश नहीं करोगी बेटी, और मोहब्बत की इस छोटी सी निशानी को स्वीकार करोगी। बस करो, बस करो, बस करो। क्यों बस करें? इन्हीं लोगों से तुम नफरत करती हो, इन्हीं लोगों को तुम घर से बेघर कर देना चाहती हो। सोच लो, अब भी वक्त है। सोचो सीमा, सोचो किस तरह का घर होगा तुम्हारा, जो 100 घरों को तोड़कर बनाया जाएगा, जिसकी तामीर में इन गरीबों की खुशियों का लहू शामिल होगा, जिसके दरो दीवार की एक एक ईंट से तुम्हारे जुल्म और इनकी मजबूरी की सजा आएगी। और याद रखो सीमा, याद रखो, जब भी किसी ने गरीबों के झोपड़ों को तोड़कर अपना महल बना लो, कभी सुखी नहीं रहा, कभी सुखी नहीं रहा। बस करो राजन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफी तुम्हें मुझसे नहीं मांगनी चाहिए, माफी तो तुम्हें इन लोगों से मांगनी चाहिए जिनका दिल तुमने दुखाया है। मुझे माफ कर दो, न जाने मुझे क्या हो गया था। अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कभी कोई नहीं जाएगा। अरे क्या उजाड़ शक्ला बनाओ बैठे भाई, हंसो, अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, हमें लोग नहीं जाएंगे। किसके हुक्म से नहीं जाओगे? हमारी मालकिन के हुक्म से। ये कौन होती है हुक्म देने वाली? इस बिल्डिंग की मालकिन थी, अब नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये डॉक्यूमेंट देखती हो, ये दस्तखत पहचानती हो, ये बिल्डिंग तुमने मेरे हाथ 2 लाख रुपए में नहीं बेची, ये 2 लाख रुपया तुमने क्यों यतीमों की मदद के लिए लिया था? मगर तुम तो कहते थे कि मेरी हर खुशी में तुम्हारी खुशी है। फॉरगेट इट, बिहारी को सिर्फ पैसे से खुशी होती है,
पैसा जो कि दुनिया की हर चीज खरीद सकता है। तो तुम्हें पैसा चाहिए? हाँ पैसा चाहिए। कौन देगा? ये देगी? ये मुरारी टुंडा देगा? टांगे वाला देगा? दूध वाला देगा? रोटी वाला देगा? या तू देगा या तेरा बाप देगा? हाँ इसका बाप दे। दीवान साहब पिताजी आप हमें ये बिल्डिंग मैंने खरीद ली। आज से इस बिल्डिंग के मालिक तुम बिहारी। अब मैं तुम्हें 15 मिनट की मोहलत देता हूँ कि इस बिल्डिंग को खाली कर दो वरना तो वरना बगैर धक्के के यहाँ से निकाले जाएंगे तुम्हें। जाना तो भाई रास्ता दो। पिताजी अब ये बिल्डिंग मेरी है। हाँ। मैं इस बिल्डिंग का कुछ भी कर सकता हूँ। तो पिताजी ये बिल्डिंग मालकिन की थी और आज से ये बिल्डिंग सारी बिरादरी की है। हमारा जूते कुदरत के खेले भाई। मजाक मजाक में भिखारी बोलते थे सचमुच का भिखारी बन गया। क्या बन गया मालिक? दादा ये चुपचाप कौन आ रहा? मुर्दा आ रहा था। क्या कफन का? कफन सामान के साथ आ रहा भाई। ए कहाँ है? एक एक का सर तोड़वा दूंगा। जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं जहाँ भी। अरे तुम जो हो सो हो लेकिन खुदा तो नहीं। अजीब हमसी है इंसान।